Hi, this is Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel, or welcome if you are coming to this channel for the very first time, and I hope that you guys are doing really great. इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू कवर रिमेनिंग केस सिनेरियोज जो आपके इंस्टीट्यूट ने नए केस सिनेरियोज रिलीज किए हैं. पहले 10 केस स्टडीज़ की डिस्कशन हम पार्ट नंबर 1 में कर चुके हैं एंड इन दिस पर्टिकुलर क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस रिमेनिंग 10 केस स्टडीज. सो लेट्स स्टार्ट. वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तुम शुरू कर सकते हो. केस स्टडी नंबर 11 बहुत ही सिंपल सी ये आपकी केस स्टडी है, इजी केस स्टडी है, ठीक है, एंड बहुत ही छोटी सी केस स्टडी है. इनफैक्ट अभी जो आने वाली केस स्टडीज हैं उन केस स्टडीज को कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. रीजन बीइंग इतनी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडीज नहीं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करनी पड़े, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि हर जगह हम एक्सप्लेनेशन को समझे, राइट, ताकि हम केस स्टडी के कंसेप्ट को भी समझ सके जो भी रेलिवेंट कंसेप्ट है वहाँ पे. एंड इसके साथ साथ ज़्यादा टाइम इस वजह से नहीं लगेगा क्योंकि रिलेटिवली आपकी छोटी केस स्टडीज हैं. ओके, सो केस स्टडी नंबर 11 कहती है that C and Company are the chartered accountants and they have been appointed as an auditor of the ZXC and Company. तो C and Company chartered accountants है और इन chartered accountants को appoint किया है ZXC and Company ने as an auditor. क्वेश्चन आगे कहता है द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड अ लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इटसेल्फ टू प्रमोट द गेम ऑफ हॉकी इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया. आपकी कंपनी काम क्या कर रही है? आपकी कंपनी हॉकी को प्रमोट करती है इन द रूरल एरियाज, एंड इन दिस रिलेशन आपके इस क्लाइंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस भी ऑब्टेन किया हुआ है. क्वेश्चन आगे कहता है द कंपनीज एवरेज एनुअल प्रॉफिट वॉज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 50 लाख. आपकी कंपनी का ऑन एन एवरेज हर साल प्रॉफिट होता है 50 लाख का, एंड दिस प्रॉफिट वुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड to the shareholders. However, it would be applied towards its objective for promoting the sports in the country. कहता है कि आपकी कंपनी इस जो ये annual profit earn कर रही है इस profit को वो as a dividend distribute नहीं करती अपने shareholders को, rather जो उसका object है, जिस purpose के लिए कंपनी बनी हुई है, जिस purpose के लिए आपकी इस कंपनी ने central government से license लिया हुआ है, उसी purpose के लिए आपकी कंपनी इस पैसे को use करती है. एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आप ऑडिट कर रहे हो इस कंपनी की कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? 2023-24 के लिए. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज वर मेड बाय द ऑडिटर. एंड आपकी कंपनी के ऑडिटर ने कंपनी से रिलेटेड ये सारी ऑब्जर्वेशन उसको मिली है, राइट. अब पहले इस कंपनी को ही समझ लेते हैं कि इस कंपनी का नेचर क्या है. कंपनी का नेचर है सेक्शन 8 कंपनी का. आपको पता कैसे लगा? आप देखो कंपनी का काम क्या है. कंपनी का काम है कि कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? कंपनी प्रमोट करती है आपके हॉकी गेम को इन द रूरल एरियाज. जो भी ये पैसा अर्न करती है, जो भी ये प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट को ये अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है एज अ डिविडेंड, रादर जो इसका ऑब्जेक्ट है उसी पर्पज के लिए अप्लाई कर देती है. और आपकी कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस ऑब्टेन किया हुआ है, सो इट इज अ सेक्शन 8 कंपनी, राइट. आगे कहता है द कंपनी वाज नॉट मेंटेनिंग द प्रॉपर रिकॉर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड एसेट maintained by it. The value of the fixed asset of the company amounts to rupees 1.50 crore approximately. कहता है कि आपके ऑडिटर ने जब वो ऑडिट कर रहा था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 क्या नोट किया कि कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट है जिसकी वैल्यू है अराउंड 1.50 करोड़ की, बट आपकी कंपनी आपके इन फिक्स्ड एसेट दैट मींस पीपीई के रिलेशन में कोई भी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रही है. इसके साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ दीज एसेट्स वाज नॉट कैरिड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स. आपकी कंपनी अपने इन फिजिकल आपके इन फिक्स्ड एसेट की फिजिकल वेरिफिकेशन भी टाइम टू टाइम नहीं करती है. जो लास्ट फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी इन फिक्स्ड एसेट की वो कंडक्ट हुई थी ऑन 31 जुलाई 2022. तब से अब तक आपकी एंटिटी ने अपने फिक्स्ड एसेट की कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराई है. ओके, क्वेश्चन आगे कहता है that as a result of above observation, the auditor decided to report the same in the KARO. तो आपका ऑडिटर इन मैटर्स को कारो के अंदर रिपोर्ट करना चाहता है. अब आप मुझे बताओ क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी है, क्या इस सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? आंसर है अ बिग नो. सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता. अगर ये सेक्शन 8 कंपनी ना होती, अगर ये कंपनी एक ऐसी कंपनी होती जिसके ऊपर कारो एप्लीकेबल होता, इन दैट सिचुएशन ऑडिटर इन मैटर्स को रिपोर्ट करता अंडर कारो, बट क्योंकि इस कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल ही नहीं होता है तो ऑडिटर को इन मैटर्स को रिपोर्ट करना नहीं चाहिए कारो के अंदर. क्वेश्चन आगे कहता है कि ऑडिटर तो रिपोर्ट करना चाहता है लेकिन मैनेजमेंट ऑडिटर के इस डिसीजन के अगेंस्ट है और उसको लगता है कि आपके ऑडिटर को कारों के अंदर इन मैटर्स को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो यहां पे इस गिवन सिचुएशन के अंदर मैनेजमेंट जो कह रही है वो सही कह रही है, राइट। कहते हैं बहुत सारी डिस्कशन हुई आपके ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में एंड फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ऑडिटर इन मैटर्स को रिपोर्ट नहीं करेगा कारों के अंदर। बिल्कुल इन्होंने सही डिसीजन यहाँ पे लिया है। ओके, क्वेश्चन आगे भी कहता है कुछ, क्या कहता है कि आपके इन सीएस के पास ना दो और क्लाइंट है, एक है LSD लिमिटेड एंड दूसरा है KD बैंक लिमिटेड एंड आपका ये सीए एंड कंपनी इन दोनों ही क्लाइंट की स्टैच्यूटरी ऑडिट करता है एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ LS लिमिटेड, जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा था LS लिमिटेड की, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स एज टू विच अमंग द फॉलोइंग आर द एरियाज विच द ऑडिटर शुड टेक इनटू अकाउंट टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर एज पर एसए नंबर 701। तो अंडर एसए नंबर 701 ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ता है कि किन मैटर्स को ऑडिटर इंक्लूड करेगा एज अ की ऑडिट मैटर इन हिज ऑडिट रिपोर्ट अंडर द पैराग्राफ ऑफ की ऑडिट मैटर पैरा, ठीक है। और ऑडिटर इन मैटर्स को कहां से उठाता है? आउट ऑफ द मैटर्स विच आर कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर टू TCWG। तो यहां पे आपकी मैनेजमेंट एंड ऑडिटर के बीच में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इन तीन मैटर्स को लेकर कि इन तीन मैटर्स में से कौन से मैटर्स ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करने चाहिए एज अ की ऑडिट मैटर, ठीक है। तीन मैटर्स कौन से हैं? नंबर वन, द इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन दैट टुक प्लेस इन द फाइनेंशियल ईयर। आपकी एंटिटी ने कुछ आपके फाइनेंशियल ईयर के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करी होगी, उन ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को ऑडिटर दिखाना चाहता है अंडर द की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, राइट। की ऑडिट मैटर्स बेसिकली होते क्या है? ये वो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो ऑडिटर को लगता है कि यूजर्स को पता होने चाहिए, ठीक है, कि ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटर उनको डिटरमाइन कर रहा है एज अ की ऑडिट मैटर। जरूरी नहीं है कि इन मैटर्स में कोई प्रॉब्लम है या कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, बट ऑडिटर को लगता है कि जो उसने ऑडिट करी उन मैटर्स को, जो मैटर्स उसने कम्युनिकेट करे टू TCWG, उन मैटर्स में से कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनके बारे में यूजर्स को पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं कि आपकी एंटिटी ने कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन करिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसके इफेक्ट को ऑडिटर रिफ्लेक्ट करना चाहता है एज अ की ऑडिट मैटर। तो वो क्या कर सकते हैं? आंसर इज वेरी बिग यस। क्यों? ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है और आपकी एंटिटी ने अगर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करी है जिसका एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो यस इट इज अ की ऑडिट मैटर। आगे कहता है एरिया ऑफ हाई रिस्क एज एसेस्ड एंड रिपोर्टेड बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता क्या है? आप इसको पढ़ते हो अंडर एसए नंबर 500, ठीक है। तो आपके मैनेजमेंट ने एक एक्सपर्ट को अपॉइंट किया हुआ है एंड आपके मैनेजमेंट एक्सपर्ट बता रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रिस्क ज्यादा है। तो आपकी मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में डिस्कशन चल रही है कि क्या उन मैटर्स को भी ऑडिटर अपने की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड करेगा जिसको मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने बताया है। आंसर इज नो। ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि क्या सिग्निफिकेंट मैटर है, ना कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट, राइट। तो ये आपका मैटर ऑडिटर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड नहीं करेगा। आगे कहते हैं सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट रिलेटिंग टू द एरियाज इन द फाइनेंशियल्स दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। ये क्या पॉइंट है? आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग जजमेंट्स ली हैं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए हैं। तो आपका ऑडिटर भी जजमेंट लेता है कि क्या आपकी मैनेजमेंट ने जो जजमेंट ली है वो रीजनेबल है या रीजनेबल नहीं है। तो आपका ऑडिटर उन एरियाज को अपनी रिपोर्ट के अंदर बताना चाहता है जिन एरियाज में मैनेजमेंट ने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए हैं। क्या वो इसको इंक्लूड कर सकता है एज अ की ऑडिट मैटर? आंसर इज अ बिग यस। इनफैक्ट ऐसे नंबर 701 में ऐसा कोई एक एग्जाम्पल भी है, राइट। और हमने क्वेश्चन भी पढ़ा है आपके, पता नहीं किसी केस स्टडी में पढ़ा है या कहीं पे एमसी आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस में पढ़ा है। ये बिल्कुल सेम इसी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है। एक एक पॉइंट के ऊपर इंस्टीट्यूट डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में भी क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन क्या था कि आपकी मैनेजमेंट जिन पॉलिसीज प्रोसीजर को यूज करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रेवेन्यू की रिकॉग्निशन करती है, वो पॉलिसीज वो प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। वो पॉलिसीज वो प्रोसीजर्स ऐसे हैं जहां पे रेवेन्यू की रिकॉग्निशन के लिए आपकी मैनेजमेंट को बहुत सारी सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स जजमेंट्स लेनी पड़ती हैं। एंड आपके ऑडिटर ने मैनेजमेंट की इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसीज के ऊपर टेस्टिंग करी, उसको कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं मिली, बट ऑडिटर इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करना चाहता है तो वो किस पैराग्राफ में डालेगा? तो उसका आंसर था की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में। ठीक है, तो यहाँ पे इस मैटर को भी ऑडिटर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकता है। इट इज ऑल्सो अ बिग यस। तो किस मैटर को वो अपनी रिपोर्ट में एज अ काम नहीं डाल सकता? आंसर है सेकंड। ठीक है, आगे कहते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ केडी बैंक लिमिटेड, ऑडिटर के पास एक और आपका क्लाइंट है और क्लाइंट का नाम क्या है? केडी बैंक लिमिटेड। ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट हैड अ सर्टेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एज टू द अमाउंट एंड द आइटम व्हिच नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड अंडर द हेडिंग ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो आपके ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में डिस्कशन हो रही है कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी की हेडिंग के अंदर कौन से आइटम आनी चाहिए। अब नीचे जाके क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। हमने डायरेक्ट कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ऑडिट ऑफ बैंक के चैप्टर के अंदर कि कंटिंजेंट लाइबिलिटीज क्या क्या होती हैं। ओके, आगे कहता है हाउएवर अपार्ट फ्रॉम दैट ऑडिटर ने ये सारी ऑब्जर्वेशन भी नोट करी है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक। क्या 59 एग्रीकल्चरल लोन अकाउंट चल रहे हैं, ये 59 नंबर्स हैं, राइट। तो 59 एग्रीकल्चर लोन अकाउंट है गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, जिसके रिलेशन में गारंटी किसने दी है? स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, जिसका अमाउंट कितना है? 29 लाख का। एंड इस इन अकाउंट्स के अंदर ओवरड्यू चल रहा है कितने टाइम का? मोर देन 2 ईयर से यहां पे कोई भी पैसा नहीं आ रहा, मतलब ये अकाउंट हो चुका है अब एनपीए। ओके, आगे कहते हैं 73 ऐसे अकाउंट है, 73 नंबर्स है जिसके रिलेशन में गारंटी किसने दी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब गारंटी है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की। और ये है एग्रीकल्चरल लोन अकाउंट्स, इनका अमाउंट कितना है? 25 लाख का। और इनके रिलेशन में भी ओवरड्यू चल रहा है पिछले 2 साल से ज्यादा से, मतलब मोर देन 2 ईयर से यहाँ पे ओवरड्यू आपका चल रहा है। आगे कहते हैं 6 कॉर्पोरेट लोन अकाउंट है, 6 आपके कॉर्पोरेट लोन अकाउंट चल रहे हैं जहां पे आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गारंटी है और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की भी गारंटी है। तो 6 में से 3 अकाउंट के रिलेशन में गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मतलब स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है और 3 ऐसे अकाउंट है जिसके रिलेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है। और हर एक अकाउंट के लोन का अमाउंट है 25 लाख का। क्या लिखा हुआ है इसने? 25 लाख फॉर ईच कंपनी। तो मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 25 into 3, राइट। इसके रिलेशन में स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है एंड 25 into 3 इसके रिलेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है। यहां पे ओवरड्यू कितने टाइम से चल रहा है? मोर देन 3.5 मंथ। तो यहां पे भी आपका 90 दिन से ज्यादा का ओवरड्यू चल रहा है। तो इन तीनों सिचुएशन में अब आप मुझे बताओ किस अकाउंट को आप एनपीए क्लासिफाई करोगे? अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था अंडर द ऑडिट ऑफ बैंक, जहां पे हमने अंडरस्टैंड किया था कि अगर किसी लोन के रिलेशन में गारंटी दी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो हम उस लोन को एनपीए तब तक नहीं डिक्लेयर करेंगे, तब तक उस अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई नहीं करेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उस गारंटी को रेप्यूडिएट नहीं कर लेती। यहां पे रेप्यूडिएशन की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो मतलब जिन अकाउंट के रिलेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है वो अकाउंट तो एनपीए नहीं होगी। तो कौन कौन सा अकाउंट यहाँ पे एनपीए नहीं होगा? ये जो आपकी जो सेकंड पॉइंट के अंदर 73 नंबर्स हैं, अकाउंट्स चल रहे हैं जिसका अमाउंट है 25 लाख का, इसके रिलेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, तो इसको तुम एनपीए नहीं डिक्लेयर कर सकते। एंड जिन अकाउंट्स के रिलेशन में स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है उनका क्या होगा? उनका कुछ भी नहीं होगा, मतलब उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। जैसे तुम नॉर्मल किसी अकाउंट की क्लासिफिकेशन करते हो एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगर 90 दिन से ज्यादा से तुम्हें पैसा नहीं मिल रहा है तो तुम उस अकाउंट को क्या बोल देते हो? एनपीए। तो इनको तुम इक्वली वैसे ही ट्रीट करोगे, मतलब यहां पे ओवरड्यू है आपका मोर देन 2 इयर्स का, तो आप इन अकाउंट्स को क्लासिफाई कर दोगे एज एनपीए। तो यहाँ पे एनपीए का अमाउंट कितना बन जाएगा 29 लाख रुपीस का। लेकिन इसने जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे इसने क्या बोला कि 6 कॉर्पोरेट लोन्स है, जिसके अंदर 3 कॉर्पोरेट लोन ऐसे हैं जिसके रिलेशन में स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है, 3 कॉर्पोरेट लोन ऐसे हैं जिसके रिलेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है वो तो एनपी नहीं होगी, रीजन मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट की जहां पे गारंटी है वहां पे तुम्हारा पैसा 90 दिन से ज्यादा से ओवरड्यू है तो आप इन अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई करोगे। तो यहां पे अमाउंट कितना क्लासिफाई होगा एनपीए 3 अकाउंट्स के रिलेशन में, और एक अकाउंट का जो लोन का बैलेंस है वो कितना है 25 लाख का। तो टोटल एनपीए यहां पे आपके लिए कितना बन जाएगा, यहां पे 25 × 6 है ना, हाँ 25 × 3 कैलकुलेट करना एक बार। ये बनेगा 75 और ऊपर 29, तो टोटल एनपीए कितना आएगा यहाँ पे 29,104 लाख का। समझ में आया? अब चलते आगे। आगे कहता है ऑन हियरिंग अबाउट द एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सीए एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट दे वर ऑफर्ड टू प्रोवाइड इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज टू द आरएस जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड which was proposed to be set up with a paid up share capital of ₹113 crore, of which preliminary expenses of ₹17 crore were also included. The audit firm, after taking into consideration all the facts and figures with respect to its new assignment, decided not to undertake both of them. तो कहता है कि आपकी ये जो CN कंपनी है इसके बारे में इन काफ़ी सुना है कि बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इनके पास एक ना RS जनरल इंश्योरेंस कंपनी आई है कि आप हमारी इनकॉर्पोरेशन कर दो। इनकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो है कितने रुपए की 133 करोड़ रुपए की, जिसके अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड हैं। अब आपके सिलेबस में ये चैप्टर अभी नहीं है, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस पहले चैप्टर होता था। तो आप अगर कोई भी कंपनी अपने आप को रजिस्टर कराना चाहती है एज ए इंश्योरेंस कंपनी तो उसके पास मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए 100 करोड़ रुपए की, एक्सक्लूडिंग द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो अगर इसमें से तुम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस निकाल दोगे ना तो इसके पास 100 करोड़ रुपए की आपकी पेड अप शेयर कैपिटल नहीं बचती है, ये बचती है 96 करोड़ रुपीज़ की, ठीक है। अब आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्या? नंबर 1, इज द डिसीजन ऑफ सीएन कंपनी नॉट टू रिपोर्ट द इश्यूज ऑफ ZXC in Caro 2020 is justified? Yes, it is very much justified. Reason हमने बताया एक Section 8 कंपनी है, तो क्या इसका रीजन है? तो कहता है नो कारो एप्लीकेबल होगा, कारो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। येस कारो इज नॉट एप्लीकेबल एंड हेंस सेम नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड। येस ये इसका आंसर बनेगा, बाकी पढ़ लेना। कारो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, रीजन क्या है Section 8 कंपनी है, ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, टोटल अमाउंट ऑफ लोन जिसको तुम एनपीए क्लासीफाई करोगे, अभी कैलकुलेट किया 104 था शायद, एक सेकेंड कितना आ रहा था हाँ 104 लाख का अमाउंट तुम क्लासिफाई करोगे एज दी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट। फिर आता है विच अमंग द फॉलोइंग हैज टू बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर एज द कंटिंजेंट लाइबिलिटी। आप इन सारे पॉइंट्स को पढ़ो, चारों को आपको समझ में आ जाएगा। जो हमने अंडरस्टैंड किए थे कि कंटिंजेंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती है आपके बैंक की, यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर बनेगा, दैट इज गारंटी जो आपके बैंक ने दी है ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, फर्स्ट इसका आंसर बनेगा। बाकी सारी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज नहीं है, ये सारी रियल लाइबिलिटीज है। ये कंटिंजेंट लाइबिलिटीज के वे से शो नहीं होंगी, रियल लाइबिलिटीज आपकी बैलेंस शीट के अंदर आएगी, ठीक है। फिर आगे आता है एज पर एसए नंबर 701, दैट इज कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। आपको ये बताना है कि कौन कौन से एरियाज है जिनको ऑडिटर डिटरमाइन कर सकता है एज अ की ऑडिट मैटर, ये भी हमने डिस्कस किया। सिर्फ सेकंड वाला पॉइंट वहां पे नहीं आएगा, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड विल बी देयर। तो कहता था इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन दैट टुक प्लेस इन द फाइनेंशियल ईयर, येस इसको वो कंसिडर करेगा। जो एरिया एसेस करे हैं एज द रिस्की एरिया बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर डिटरमाइन करता है अंडर एसए नंबर 701 कि क्या की ऑडिट मैटर है, राइट। सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट रिलेटिंग टू द एरियाज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे मैनेजमेंट ने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग जजमेंट ली है, येस। तो कौन कौन से एरियाज को वो कंसिडर करेगा, तो इसका आंसर आपका बनेगा 1 एंड 3, तो सी विल बी योर आंसर। ठीक है, सो दिस वाज योर केस स्टडी नंबर 11। अब जा रहे हैं केस स्टडी नंबर 12 की तरफ। ये भी बहुत ही सिंपल सी केस स्टडी है। कहता है भुवन एंड कंपनी आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेनली इनटू स्टैच्यूटरी ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट। तो आपकी भुवन एंड कंपनी ये आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है। ऑडिट किसके अंदर कर रही है? स्टैच्यूटरी ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट के अंदर ये मोस्टली इन्वॉल्व है। इज नाउ एक्सप्लोरिंग द एरिया ऑफ ड्यू डिलीजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन असाइनमेंट इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग मे बी नोटेड। कहता है कि अब ये भुवन एंड कंपनी और नए नए एरियाज के अंदर एक्सप्लोर कर रही है, तो अब ये ड्यू डिलीजेंस और इन्वेस्टिगेशन में भी काम करना शुरू करेगी। एंड इन रिलेशन टू दी फॉलोइंग These events have been noted. क्या? Number A, one of the clients of Bhuvan and Company is planning to acquire another company to expand its business. Bhuvan and Company का कोई client है, किसी और company को acquire करने का सोच रहा है, क्योंकि आपका ये client expansion की सोच रहा है. In this regard, due diligence is carried out to check if the proposed merger would create operational synergies. सही बात है, आपको due diligence करानी पड़ेगी ये जानने के लिए कि क्या ये जो आपका Bhuvan and Company का client जो acquire कर रहा है जिस कंपनी को, क्या उस कंपनी के एक्विजिशन से ऑपरेशनल सिनर्जीज क्रिएट होगी या नहीं होगी। ओके, ऑल्सो फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस इज प्लान्ड टू बी कैरिड आउट आफ्टर अ प्राइस हैज बीन अग्रीड फॉर द बिजनेस एक्विजिशन दे वांट टू इंक्लूड। कहता है कि आपकी ये जो सीए हैं वो एक फुल फ्लेज्ड आपकी फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस भी करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार प्राइस अग्री हो गया उसके बाद फॉर द बिजनेस एक्विजिशन दे वांट टू इंक्लूड। एंड उसके अंदर वो क्या करेंगे? कैश फ्लो की चेकिंग, अकाउंटिंग पॉलिसीज की चेकिंग, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टारगेट कंपनी, बैकग्राउंड ऑफ इट्स प्रमोटर, सही बात है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ईटीसी इन द स्कोप ऑफ द सेम। अच्छा, लेट्स सी आगे क्वेश्चन क्या पूछता है, फिर हम यहाँ पे इसकी अंडरस्टैंडिंग जो हमारी है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस को लेकर उसको यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल सी केस स्टडी है। आगे कहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ड्यू डिलिजेंस, जब वो आपकी ड्यू डिलिजेंस कर रहे थे, एन आर्टिकल असिस्टेंट इंक्वायर्स टू द प्रिंसिपल। तो एक आपके आर्टिकल ने प्रिंसिपल से पूछा क्या, वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द लेटर ऑफ कंफर्ट व्हिच इज गिवन बाय द टारगेट कंपनी टू अ बैंक। कि क्या हमें जो टारगेट कंपनी है जिसको आपका क्लाइंट एक्वायर करने का सोच रहा है उसने एक लेटर ऑफ कंफर्ट दिया बैंक को, क्या उसकी हमें वेरिफिकेशन करनी चाहिए? आंसर है बिग यस, क्योंकि आज तुमने लेटर ऑफ कंफर्ट दिया, कल तुम्हारी लाइबिलिटी आ सकती है। तो ये कौन सी लाइबिलिटी है? ये तुम्हारी हिडन लाइबिलिटीज है। और हमने जब आपका चैप्टर किया था ड्यू डिलिजेंस का, वहां पे अंडरस्टैंड किया था कि ऑडिटर सारे के सारे ओवर वैल्यूड एसेट्स एंड हिडन लाइबिलिटीज को भी वेरीफाई करता है। तो यस, आप इस एरिया को भी एग्जामिन करोगे। आगे कहते हैं फर्दर भुवन एंड कंपनी हैज ऑल्सो रिसीव्ड एन ऑर्डर इन राइटिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ इट्स क्लाइंट to carry out an investigation under section number 210 of the Companies Act 2013. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करवाने का यहाँ पे सोच रही है। विद रिस्पेक्ट टू दिस इन्वेस्टिगेशन भुवन एंड कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग ऑन गेटिंग द असिस्टेंस ऑफ एन एक्सपर्ट विद रिस्पेक्ट टू द सर्टेन मैटर। तो कहती है भुवन एंड कंपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करे, इस रिलेशन में आपकी भुवन एंड कंपनी को किसी एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए, तो वो एक्सपर्ट की हेल्प लेने का सोच रही है। तो क्या वो एक्सपर्ट की हेल्प ले सकती है? यस, कहीं पे किसी ने नहीं रोका। ओके आगे कहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशन एज अबव। तो जब आपकी भुवन एंड कंपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन को कैरी ऑन कर रही थी, इट रिक्वायर सर्टेन एविडेंस फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इन इंडिया इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द करेक्टनेस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच इज आउटसाइड इंडिया। तो आपकी कंपनी जब ये आपकी भुवन एंड कंपनी जो सीए हैं जब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो आपकी इस भुवन एंड कंपनी को एक एविडेंस चाहिए। एविडेंस कहां से चाहिए? इंडिया से नहीं चाहिए, इंडिया के बाहर से, आउटसाइड कंट्री इसको एक एविडेंस चाहिए किसी इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में। जो इन्वेस्टमेंट कहां पे है? किसी आपके अब्रोड की कंट्री के अंदर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। तो अब यहां पे भुवन एंड कंपनी कैसे इस एविडेंस को कलेक्ट करेगी? अगर तुमने टैक्स, डायरेक्ट टैक्स पढ़ा है, वहां पे भी एक सिमिलर प्रोविजन होती है कि जब भी आप बाहर से एविडेंस मंगवाते हो तो आपको कोर्ट के थ्रू जाना पड़ता है, और इसको हमने इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था। ठीक है, मतलब आपकी भुवन एंड कंपनी कॉम्पिटेंट कोर्ट को यहाँ पे अप्लाई करेगी। कॉम्पिटेंट कोर्ट जिस भी कंट्री से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, एविडेंस चाहिए, वो वहां पे उसके कोर्ट को बताएगा, फिर आगे वो प्रोसेस इनिशिएट होगी। राइट, आगे कहते हैं वेदर दी क्वेश्चन आगे अब आपके फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेदर लेटर ऑफ कंफर्ट गिवन टू द बैंक बाय द टारगेट कंपनी नीड्स टू बी रिव्यूड एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। अभी मैंने बताया यस, वो करेगा रिव्यू। क्यों? क्योंकि ऑडिटर जब भी इन्वेस्टिगेशन करता है, ही हैज टू लुक आउट फॉर द इंस्टेंसेस ऑफ हिडन लाइबिलिटीज एज वेल एज ओवर वैल्यूड एसेट। और ये जो सिचुएशन है ये हिडन लाइबिलिटी है, क्योंकि अभी भले आपको ये लाइबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, बट फ्यूचर में जाके आ सकती है। तो आपको करेक्ट रीजन यहाँ पे बताना है। तो कहते हैं यस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज विल बी टू लुक अप स्पेसिफिकली फॉर एनी हिडन लायबिलिटीज और ओवर वैल्यूड एसेट एंड सिंस लेटर ऑफ comfort which is given by target company to the bank, ये क्या है hidden liability, so it should be reviewed। यही तुम्हारा आंसर बनेगा, बाकी के तुम पढ़ लेना, ये गलत ही आंसर है। एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही ऊपर दे दी थी इसकी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्या ये क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर जिसको ऑडिटर को इंक्लूड करना चाहिए अंडर अ फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। तो यहाँ पे एनोमली तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? फाइनेंस, जब तुम फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस चेक कर रहे हो तो मतलब तुम्हारा मेन फोकस किसके ऊपर होगा? फाइनेंशियल्स के ऊपर, राइट। तो आप कैश फ्लो को चेक करोगे, यस। अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेक करोगे, यस। जो प्रमोटर है इस कंपनी के, उसके बैकग्राउंड, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री को चेक करोगे, ऑफ कोर्स। क्या तुम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को यहाँ पे डिटेल में चेक करोगे? आंसर इज नो। तो क्या नहीं कवर होगा स्कोप में? आंसर है डी। फिर आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंस ऑफ वेदर द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन नंबर 210 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, राइट। तो ग्राउंड्स लिखे हुए हैं, तुम्हें सेक्शन नंबर 210 के ग्राउंड्स पता है, जिन ग्राउंड्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकती है। ये क्वेश्चन तुम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। ये सेक्शन नंबर 210 की प्रोविजन है, राइट। सबसे पहले ऑन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्रेडिटर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, नो। क्रेडिटर्स के रिक्वेस्ट पे सेक्शन नंबर 210 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकती। अगर उसको रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर की रिपोर्ट मिली है, आंसर इज यस, वो दे सकती है। अगर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने एसआर पास किया है तो भी दे सकती है, अगर उसको पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है तो भी दे सकती है। कब नहीं दे सकती? क्रेडिटर की रिक्वेस्ट के ऊपर सेक्शन नंबर 210 के अंदर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकती सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे कहते हैं कैन भुवन एंड कंपनी टेक द असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट इन परसुइंग द इन्वेस्टिगेशन। आपको करेक्ट रीजन यहाँ पे बताना है, आंसर है यस, वो बिल्कुल ले सकती है। तो कहते हैं यस भुवन एंड कंपनी शुड कंसिडर वेदर असिस्टेंस ऑफ अदर एक्सपर्ट लाइक इंजीनियर्स, लॉयर्स, ईटीसी इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड फुल प्रूफ एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन। क्योंकि हम जो सीएज होते हैं हमें हर एक चीज़ की नॉलेज नहीं होती। जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आप इन डेप्थ एग्जामिनेशन कर रहे हो। जो जब आप ऑडिट करते हो ना, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, ऑडिट के अंदर आप एक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप लोन की चेकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो लोन की वेरिफिकेशन के लिए आप एक काम क्या कर सकते हो कि लोन के एग्रीमेंट को आप वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन वहां पे जिस वे से वो एग्रीमेंट बना, क्या वो सही है, गलत है, इसके ऊपर ऑडिटर कंफर्ट नहीं लेता। स्टैंप ड्यूटी जितनी होनी चाहिए थी उतनी है, मतलब ऑडिटर इतनी डेप्थ में जाके चेकिंग नहीं करता, वो सिर्फ टर्म्स को अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, तब वो हर एक चीज को अंडरस्टैंड करेगा, इन डेप्थ देखेगा कि क्या ये जो एग्रीमेंट आपका बना हुआ है, क्या ये जो एग्रीमेंट बना है ये एनफोर्सेबल भी है या नहीं, ये जैसे बनना चाहिए था वैसे नहीं बना भी है या नहीं। तो उस रिलेशन में वो किसी लीगल एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसको इन डेप्थ एग्जामिनेशन करनी है। तो कहता है कि यस ऑडिटर कैन कंसिडर कि क्या उसको किसी और एक्सपर्ट की हेल्प लगेगी, जैसे कि इंजीनियर, लॉयर्स, ईटीसी, ताकि वो आपकी इस इन्वेस्टिगेशन के इंटरेस्ट में हो, ताकि वो फुल प्रूफ एग्जामिनेशन कर सके डॉक्यूमेंट्स की एंड इंफॉर्मेशन की। तो येस वेरी मच। अब इसमें ऐसे नंबर 620 की बात कैसे आगे, तुम ऑडिट ही नहीं कर रहे हो, तो ये तो दोनों ऑप्शंस आपको देखने में गलत लग रहे हैं। आगे डी नो कह रहा है, नो क्यों कह रहा है भाई, ठीक है। अब आते हैं आगे 5, क्वेश्चन नंबर 5। What should be the procedure of Bhuvan and Company to seek evidence from the outside the India for investigation? कोर्ट के थ्रू जाएगा, ये याद रखना। कहता है seeking evidence from outside for investment in the shares outside India is outside the scope of investigation। ऐसा थोड़ी होता है, इन्वेस्टिगेशन के स्कोप के बिल्कुल बाहर नहीं है। An application is to be made to the competent court in India। तुम्हें बाहर से एविडेंस चाहिए, तुम इंडिया के कोर्ट को यहाँ पे एप्लीकेशन करोगे, right, by the inspector, and such court may issue a letter of request to the court of that country or authority in such country for seeking the evidence। ठीक है, तुम अपने कोर्ट को अप्लाई करोगे, तुम्हारा कोर्ट उस कंट्री के कोर्ट को बोलेगा और वो एविडेंसेस आ जाएंगे, या कोई और अथॉरिटी जो इस रिलेशन में वहां पे एग्जिस्ट करती है। तो आंसर बनेगा इसका बी। सी और डी तुम पढ़ लेना, एक गलत लिखे हुए हैं। अनदर अ वेरी सिंपल केस स्टडी। अच्छा, अब केस स्टडी नंबर 13 सुनो। केस स्टडी नंबर 13 यहाँ पे मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगी, डिस्कस इन द सेंस कि मैं यहाँ पे क्लिप ऐड करने की कोशिश करूंगी। केस स्टडी नंबर 13 जो नवंबर 2023 तक इंस्टीट्यूट की ओल्ड सिलेबस की केस स्टडीज थी उसकी केस स्टडी नंबर 9 है। तो यहाँ पे अगर मेरे को पॉसिबल हुआ तो मैं क्लिप ऐड कर दूंगी, अगर नहीं मैं क्लिप ऐड कर पाई, अगर आपको मैं इन्हीं कपड़ों में दिखाई दे रही हूँ तो इसका मतलब क्लिप ऐड नहीं हुई है, या अगर मैंने आगे से डिस्कशन शुरू कर दी तो क्लिप ऐड नहीं हुई है, या बीच में अगर आपको कोई और सडनली कुछ और आपको क्लिप दिखाई दे रही तो मतलब क्लिप ऐड हुई है, समझ लो। तो यहाँ पे नवंबर 2023 में ये केस स्टडी नंबर 9 थी तो वहाँ से आप कवर करोगे। अगर मैं क्लिप नहीं ऐड कर पाई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, वहाँ पे आप क्लिक करोगे, वहाँ पे आप केस स्टडी नंबर 9 कवर करोगे तो आपकी केस स्टडी नंबर 13 कवर हो जाएगी। समझ में आ गया। ऐसे ही आपकी केस स्टडी नंबर 14 है। केस स्टडी नंबर 14 पुरानी सिलेबस की जो वीडियोस हैं उसके अंदर केस स्टडी नंबर 10 थी। ओके, एंड जो आपकी केस स्टडी नंबर 15 है ये पुराने सिलेबस की आपकी केस स्टडी नंबर थी 21। समझ में आ गया। और जो केस स्टडी नंबर 16 है ये है आपके एसएम के चैप्टर नंबर 6 की केस स्टडी। इसकी तो क्लिप आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगी क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली करवाया है तो मैं इसकी क्लिप इस वीडियो के अंदर ही ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पे नाम थोड़ा सा अलग हो सकते हैं, यहाँ पे सीए प्रिया लिखा हुआ है, वहाँ पे कोई और सीए हो सकता है, थोड़ा बहुत डेट 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, बट कोई भी केस स्टडी के क्वेश्चन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आप ओल्ड सिलेबस की केस स्टडीज की क्लिप्स यहाँ से देखो या उनके रिस्पेक्टिव वीडियोस में जाके देखो, वहाँ पे एक डिफरेंस आपको मिल सकता है और वो डिफरेंस है फाइनेंशियल ईयर का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ऑडिट कर रहे हो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तो वहाँ पे हो सकता है 21, 22, 23 ऐसा, बाकी डिफरेंस कुछ भी नहीं, मैंने चेक किया है इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। समझ में आ गई बात आपको। क्या कहती है आपकी केस स्टडी? एनडी एंड कंपनी आपको पता है हरियाणवी में बहुत अच्छे हो क्या बोलते हैं, एनडी। सो एनडी एंड कंपनी इज अ रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म। इट इज अपॉइंटेड एज द स्टैच्यूटरी ऑफ मानव स्वरूपम लिमिटेड। ओके, मतलब आपकी एनडी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है और उसको इस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया गया है। लिमिटेड है तो मतलब ये कौन सी कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी है। कंपनी इज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉपर प्रोडक्ट्स। कंपनी कॉपर प्रोडक्ट्स बनाती है। द कंपनी हैज एडवांस्ड इन ऑल इट्स एंडोवेयर्स बाय सप्लाइंग मिलियन कॉपर यूनिट्स। द कंपनी हैज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी देवास्वरूपम प्राइवेट लिमिटेड बाय इन्वेस्टिंग 45% इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड एट द सेम टाइम हैविंग 100% कंट्रोल over the board of directors as per the agreement with the majority of the shareholders। क्वेश्चन कहता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, कंपनी ने एक और कंपनी जिसका नाम क्या है, देवस्वरूपम प्राइवेट लिमिटेड, उसमें कंपनी की इन्वेस्टमेंट कितनी 45%, लेकिन क्योंकि वो बोर्ड के कंपोजिशन को 100% कंट्रोल करती है तो इसका मतलब ये इसका फुल्ली कंट्रोल है उस कंपनी के ऊपर। द कंपनी इज लिस्टेड इन द यूएस स्टॉक एक्सचेंज बट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। आपकी कंपनी लिस्टेड है कहाँ पे, यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन अभी उसको इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं मिली है। लिस्टेड तो है ना वो। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, और कंपनी की नेटवर्थ है 245 करोड़ रुपए की। द प्रोडक्ट इज प्रमोटेड बाय अली बाबा। कंपनी के प्रोडक्ट को अली बाबा प्रमोट करता है एज इट्स प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, यू आर द ऑडिट मैनेजर इंचार्ज ऑफ द ऑडिट टीम फॉर द ईयर एंड योर फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग। अब आप कौन हो, आप हो ऑडिट मैनेजर, आपके इस साल की ऑडिट के, और आपका कोई फर्स्ट ईयर का ट्रेनी है, उसने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, आपको उन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपसे? ओके, नंबर 1, the company is required to appoint the internal auditor as per the provisions of Companies Act 2013 and the company complied with the same by delegating the duties to an employee। वो कह रहा है कि कंपनी के ऊपर सेक्शन 138 की प्रोविजंस एप्लीकेबल होती है और कंपनी ने उसका ड्यूली कंप्लायंस किया है और कंपनी ने अपने एक एम्प्लॉई को एज अ इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया है जो वो कर सकती है। ओके, हु जॉइंड द कंपनी एज ऑन फर्स्ट ईयर आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट है और उसने अभी नया ज्वाइन किया है। The audit team is planning to use the work which is performed by the internal audit function। मतलब आपके internal audit function as per SC number 610 के केस में जो आपका स्टैच्यूटरी ऑडिटर है वो आपके इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, राइट। एज द रिपोर्ट्स गिवन बाय हिम आर डिजाइंड इन अ मार्वलस फैशन। कहते हैं बहुत अच्छी रिपोर्ट्स बना के देते हैं, वो खुश हो गए और आपके स्टैच्यूटरी ऑडिटर आपके इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करना चाहते हैं। इवन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर astonished by the design of the internal auditors report. आपके जो board of directors हैं वो भी बहुत खुश हैं. अब इसमें question का है, I'm not sure, but let's see. The company is planning to use the work. Let me see कि question है कहाँ. मैंने एक paragraph छोड़ा है ना. He has also noted down some of the question for you to answer to discuss the impact on the planning stage after understanding the entity and its environment. ये question नहीं है, question आपसे बाद में पूछेंगे, ये उसकी सिर्फ understanding दे रहा है, right? आगे क्या कह रहा है? The company is planning to use the working papers of the previous auditor by demanding. कह रहा है पिछले साल के जो auditor थे उनके वर्किंग पेपर्स आपका ऑडिटर यूज़ करना चाहता है और वो भी डिमांड कर रहा है. डिमांड कैसे कर सकते हो आप एक ऑडिटर से उसके वर्किंग पेपर्स? फ्रॉम हिम साइटिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज द ऑडिटर ऑल्सो प्लान्स टू यूज़ द सेम फॉर टेस्टिंग द ओपनिंग बैलेंसेज ड्यूरिंग द ईयर. अच्छा देखो, अगर वो अपने वर्किंग पेपर प्रोवाइड कर देता है और कॉन्फिडेंशियलिटी उसके ऊपर नहीं लगती है तो अलग बात है, लेकिन आप उसको डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स उसकी प्रॉपर्टी होते हैं. द प्रीवियस ईयर ऑडिटर हैविंग बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ अ सब्सिडरी द कंपनी प्लान्स टू यूज हिज वर्क फॉर वेरीफाइंग द इन्वेस्टमेंट बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर. आपका जो पिछले साल का कंपनी का ऑडिटर था वो अब आपकी सब्सिडरी का ऑडिटर है और वो सोच रहा है कि वो आपकी कंपनी जो आपकी सब्सिडी के ऑडिटर है उसके काम को यूज़ करे सब्सिडी के ऊपर कंफर्ट लेने के लिए. ठीक है, आपको अपने इन सवालों के जवाब देने हैं. अभी आप सोचो कि क्या सवाल आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो आपके लिए रेलिवेंट है. नंबर वन, द एंगेजमेंट पार्टनर हैज रिक्वेस्टेड यू टू कमेंट अपॉन द यूजेस ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर बाय द एंगेजमेंट टीम इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट स्टैंडर्ड. तो वो आप क्या अपने इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज कर सकते हो एज पर एसए नंबर 610? हाँ कर सकते हो, लेकिन पहले उसकी एबिलिटी को चेक कर लो, उसकी कॉम्पिटेंस को चेक कर लो, राइट? क्या कह रहा है? नंबर वन, as the work done by internal auditor is marvelously designed and presented, the same can be considered to be extent. This statutory auditor can use it as the work is highly appreciated even by the board of the directors. वो आपको definitely आप उसको use कर सकते हो. Answer is गलत. आप डेफिनेटली सिर्फ इसलिए यूज़ कर लोगे क्योंकि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो काम बड़ा अच्छा लग रहा है या उसने अपनी रिपोर्ट को बहुत मार्वलसली बनाया. नहीं, आपको उसकी कैपेबिलिटी को चेक करना पड़ेगा. क्या कह रहा है अगला ऑप्शन? द वर्क डन बाय द इंटरनल ऑडिटर नीड टू बी एसेस्ड येस फॉर द सफिशिएंसी एंड शुड बी यूज्ड टू अवॉइड द डबल वर्क. द ऑडिट टीम ऑफ द इंडियन कंपनी नीड टू रिड्यूस द अननेसेसरी वर्क एज द सेम हैज बीन परफॉर्म्ड बाय द अदर ऑडिटर. ये क्या बोल रहा है, मुझे तो इसका मतलब रेलिवेंस नहीं समझ में आ रही है. द वर्क डन बाय द इंटरनल ऑडिटर नीड टू बी असेस्ड. यहाँ तक तो मैं बिल्कुल सही थी कि उसको आपको उसके काम को असेस करना पड़ेगा. फॉर द सफिशिएंसी, क्या वो आपके लिए सफिशिएंट है? ठीक है. एंड शुड बी यूज्ड टू अवॉइड द डबल वर्क. ये शुड बी यूज्ड का क्या मतलब है? जब वो सफिशिएंट होगा, जब वो एसेस करेगा, उसको सही लगेगा तब ही करेगा ना. जस्ट बिकॉज तुम काम नहीं करना चाहते इसीलिए तुम इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज़ करो, ये सेंस नहीं बनती, राइट? मैंने बहुत अच्छे से एसए नंबर 610 वहाँ पे आपके रिवीजन लेक्चर में कवर कराया है. अगर आपने नहीं कवर किया अभी तक, प्लीज़ कवर दैट, राइट? द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एसेस द कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल केयर ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर. कॉम्पिटेंस उसकी नॉलेज को चेक करेगा और क्योंकि ये मेंबर नहीं है आपके इंस्टीट्यूट का तो उसको चेक करनी भी पड़ेगी. तो आपका ऑडिटर मतलब जो है इंडियन कंपनी नीड्स टू रिकंसिडर द ऑडिट स्ट्रेटजी एंड कैन नॉट यूज द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर. मतलब वो एबिलिटी को चेक करके ही डिसाइड करेगा, वो ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, तो उसको अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज योर आंसर. मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The trainee asked whether the audit team is to perform any procedures over the investment in the Devaswaroopam Private Limited. Obviously तुम comfort कैसे लोगे? Number one, the company needs to prepare the consolidated financial statement and the same need to be audited by the auditor and the auditor needs to consider the financial information and also assess the regarding the need to use the work of the component auditor. Question क्या पूछ रहा है तुम्हारा trainee? पहले ही देखो question उसने पूछा है the trainee asked whether the audit team is to perform any procedure. क्या तुम्हें investment के ऊपर procedure perform करने हैं? हाँ, यहाँ पे तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है investment को लेकर, ठीक है? क्या बोला उसने? कंपनी को प्रिपेयर करनी पड़ेगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करनी पड़ेगी, हम भी एग्री करते हैं, एंड सेम नीड्स टू बी ऑडिटेड बाय द ऑडिटर. अब सीएफएस में अगर तुम्हारी कंपनी की फिगर आ रही है तो उसकी तुम इन्वेस्टमेंट को मतलब उसको ऑडिट तो करोगे, ये भी बात है. एंड द ऑडिटर नीड्स टू कंसिडर द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो एसेस रिगार्डिंग द नीड ऑफ यूज द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर. मुझे इस चीज़ से इशू नहीं है, मुझे क्वेश्चन से इशू है. आगे बढ़ो. द ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म the audit procedures over the balance in the investment and transactions with its related party. yes, ये भी करना पड़ेगा. मतलब वो जो बोल रहा है वो दोनों चीज़ें सही बोल रहा है. आगे देखो, दी ऑडिटर नीड नॉट टू परफॉर्म, क्यों नहीं परफॉर्म करना? अगर तुम्हारी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी कंपोनेंट की फिगर्स आ रही हैं, तुम्हें एज एन ऑडिटर ओपिनियन देना है एज पर एसए नंबर 200, क्या तुम्हारी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, राइट? अब एज अ होल में तो कंपोनेंट की फिगर्स भी आ रही है ना, तो उसके ऊपर कंफर्ट कौन लेगा? उसके ऊपर कंफर्ट तुम लोगे। या तो तुम खुद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, या जो आपके सबसे मतलब जो आपके कंपोनेंट के ऑडिटर ने काम किया है उसके काम को तुम यूज कर सकते हो। लेकिन जब तुम उसके काम को यूज करोगे तो तुम्हें एसए नंबर 600 का कंप्लायंस करना पड़ेगा, राइट? तो इसका आंसर बोथ बनेगा ए एंड बी। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेनी आस्क्ड अबाउट द रोल। मैं क्यों बोलती हूँ कि हर एक ऑप्शन पढ़ो? इस वजह से बोलती हूँ क्योंकि नीचे कई बार पहला ऑप्शन भी सही होता है, दूसरा ऑप्शन भी सही होता है, और नीचे लिखा होता है बोथ ए एंड बी, और कई बार हम इतनी हरी में होते हैं कि ए को ही टिक मार्क करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ऐसा बोलती हूँ कि बाकी सबको काट दो, वो मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि बाकी सब गलत है, इतना टाइम नहीं है। अगर मुझे जहाँ पे लगता है कि मुझे समझाना चाहिए रुक के, वहाँ पे मैं सारे ऑप्शंस कवर करती हूँ, लेकिन इट इज़ योर मोरल ड्यूटी टू रीड ईच एंड एवरी ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है ये? द ट्रेनी आस्क्ड अबाउट द रोल ऑफ द ऑडिटर इन केस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन देवास्वरूपम प्राइवेट लिमिटेड इज इंक्रीज टू 60% इन द नेक्स्ट ईयर। कहता है पहले क्या था 45%, उसके बाद वो 60% तुम उसको इंक्रीज कर रहे हो, तो तुम्हारे ऑडिट प्रोसीजर में क्या कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, जो क्योंकि कंसोलिडेशन तो तुम पहले भी कर रहे थे, जब वो आप तुम्हारी सब्सी नहीं थी। आई थिंक 45% है तो एसोसिएट हुई, ठीक है? तो वो जब तुम्हारी सब्सी नहीं थी तो उस केस में भी तुम उसको कंसोलिडेट कर रहे थे, तो अब भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? दी ऑडिटर नीड नॉट टू डू एनी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स एज कम्पेयर टू दिस ईयर एक्सेप्ट for the audit procedures over the increase in investment value and its disclosures in the financial statement. मतलब ये काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। The auditor should also audit the group consolidated financial statement as the consolidation becomes applicable. पहले ही applicable थी ना, तो ये क्या लिखा हुआ है? पहले ही एप्लीकेबल थी कंसोलिडेशन उसके ऊपर। दी ऑडिटर नीड्स टू ऑडिट द सब्सिडरीज बुक्स ऑफ अकाउंट टू गेट कंफर्ट ओवर द बैलेंसेज इन द मटेरियल सब्सिडरी। ओके, दिस दी ऑडिट स्ट्रेटजी नहीं चेंज होगी। रीजन बीइंग कंसोलिडेशन पहले भी हो रही थी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो आपकी एडिशन हुई है उसके ऊपर आपका ऑडिटर काम करेगा, और जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट उसके ऊपर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगाता है उसको उस अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। दी ऑडिटर कैन आइदर ऑन इट्स ओन या ऑडिट द सब्सिडरी और यूज द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर टू गेट द कंफर्ट ओवर द बैलेंस इन द सब्सिडरी। क्वेश्चन पता क्या है? ये बात सही लिखी है, इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि क्या आपके ऑडिटर को द ऑडिटर नीड नॉट टू क्या आपके ऑडिटर को एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत है? ठीक है, तो आपके ऑडिटर को कुछ भी एडिशनल नहीं परफॉर्म करने की जरूरत, एक्सेप्ट जो उसकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज हुई है उसके ऊपर उसको कंफर्ट लेना है, और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देखनी है कि जो भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो भी आपके एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, क्या आपकी एंटिटी ने उसका डिस्क्लोजर उस अकॉर्डिंग दिया है। क्वेश्चन ये है, ये गलत तो ऑप्शन ये भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को कंसिडर करते हुए ऑप्शन गलत है। ओके, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? द ट्रेनी आस्क्ड यू वेदर द इंड एस इज एप्लीकेबल। योर एंटिटी इज लिस्टेड एंटिटी, ऑफ course it is applicable. Yes, but only no, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा ये। Yes, the company मानव स्वरूपम लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी के ऊपर इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। 9.4 का बी इज योर आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट केस स्टडी। ओके, क्या कहते हैं आपकी केस स्टडी? Messrs A&S and Associates have been appointed as the statutory auditors for the Delco Limited, listed company है। अब से इस Delco Limited को बोलेंगे कंपनी, ठीक है? A&S and Associates आपके कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट किए गए हैं, और ऑडिटर भी कैसे? स्टैच्यूरी ऑडिटर्स। फाइनेंशियल ईयर कौन से के लिए? 2020-2021 के। डेल्को लिमिटेड डील किस में करती है? शूज बनाती है। ओके, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट द ऑडिटर्स फाउंड दैट द कंपनी हैज एक्वायर्ड टू सब्सिडरीज नेमली सोल लिमिटेड डीलिंग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द शू सोल्स एंड सॉकर लिमिटेड डीलिंग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द किड शूज। वो कहता है आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जब आपका ऑडिटर ऑडिट कर रहा था उसको पता लगा कि आपकी कंपनी ने दो कंपनी को एक्वायर किया है, दो सब्सिडरीज को एक्वायर किया है। कौन कौन सी? सोल लिमिटेड और आपकी सॉकर लिमिटेड। ऑडिटर्स ऑफ द सोल लिमिटेड एंड सॉकर लिमिटेड आर मेसर्स एक्स वाई जेड एंड एसोसिएट। इसका मतलब जो आपकी सब्सिडी के ऑडिटर है वो आपकी कंपनी के ऑडिटर से डिफरेंट है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे नंबर 600 की रिक्वायरमेंट पूछ ली जाए। ओके, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, Delco Limited has prepared the consolidated financial statement under the Indian accounting standards and consolidated the financial statements on the subsidiary Sole Limited। कहता है कि कंपनी के ऊपर शायद इंडियस लगता था, तो कंपनी ने इंडियस के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई तो उसने कंसोलिडेशन करी है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी Sole Limited की, इसने दूसरी कंपनी की कंसोलिडेशन नहीं करी है। आगे, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, ओके, हाउएवर कंपनी ने क्यों नहीं करी है Soccer Limited की कंसोलिडेशन हमें भी नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि गलत तो किया है। ओके, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाँ इसने रीजन दिया है कि एज द कंपनी हैज नॉट येट नॉट बीन एबल टू असर्टेन द फेयर वैल्यूज ऑफ द सर्टेन मटेरियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द Soccer Limited। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसोलिडेशन इसलिए नहीं करी कि आपकी कंपनी ने, क्योंकि उसको कुछ मटेरियल एसेट और लाइबिलिटीज ऑफ योर Soccer Limited उसके बारे में पता नहीं लगा है एज ऑन द डेट ऑफ एज ऑन एक्विजिशन डेट। दिस एक्विजिशन इज अकाउंटेड फॉर एज एन इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ Delco Limited। आपकी कंपनी ने इस एक्विजिशन को अपनी बुक्स में कैसे दिखाया, इन्वेस्टमेंट दिखाया है, मतलब ऑब्वियसली कंसोलिडेशन नहीं करी है तो उसने क्या दिखाया, एज ए इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, गलत दिखाया है। हैड द कंपनी कंसोलिडेटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोथ द सब्सिडियरी देयर वुड हैव बीन अ मटेरियल इंपैक्ट ऑन द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है कि अगर कंपनी ने कंसोलिडेशन करी होती तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट आता, वो भी मटेरियल, तो इसका मतलब उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे ये नॉन कंसोलिडेशन की वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट फॉर द कंपनी फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द ऑडिटर्स आर कंसिडरिंग देयर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द नॉन कंसोलिडेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ Soccer Limited। मैं ही बता देती हूँ, क्वालिफाई करेगा वो अपनी रिपोर्ट को, राइट। फिर कहता है द ऑडिटर्स ऑल्सो आस्क्ड द मैनेजमेंट टू डिस्क्लोज द रीजंस फॉर द नॉन कंसोलिडेशन ऑफ द फाइनेंशियल ऑफ Soccer Limited इन द नोट्स टू अकाउंट। ऑडिटर कह रहे कि मैनेजमेंट, जो भी तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उसमें तुम अपने इस क्या करो, तुम इसको अपने इस चीज़ को डिस्क्लोज करो कि हमने नॉन कंसोलिडेशन क्यों करी है। ऑल्सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ Delco Limited फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इंक्लूड अ कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स आ रही हैं और आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स को लेकर। मैंने इसको एसए नंबर 710 में बताया है। और कोरस्पॉन्डिंग फिगर कैसे दिखती है, करंट ईयर के बैलेंसेज और प्रीवियस ईयर के बैलेंसेज ऐसे दिखती हैं, ठीक है। फिर कहता है पिछले साल की, मतलब 2019-20 का बैलेंस दिख रहा है ऐसे, और इस साल का दिख रहा है 2020-21 का ऐसे। ओके, फर्दर द ऑडिटर्स आर आल्सो कंसिडरिंग द इम्प्लीकेशन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इन द ऑडिट ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब इन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर वो सोच रहा है, और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो सोच रहा है। क्वेश्चन बताओ क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कहता है विद रिस्पेक्ट टू द नॉन कंसोलिडेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ Soccer Limited विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ Delco Limited हाउ शुड द ऑडिटर डील विद द सेम इन देयर ऑडिट रिपोर्ट। बोला ना मैंने क्वालिफाई करेगा, तो वो कह रहा है कि ऑडिटर देगा एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर वो कब देता है, डिस्क्लेमर जब उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले और उसका इफेक्ट मटेरियल और परवेसिव है। तो यहाँ पे तो उसको मिल गए ना, तो वहां पे डिस्क्लेमर कैसे दे सकता है वो। फिर आगे कहता है ऑडिटर विल गिव एन एडवर्स ओपिनियन, ऑफ कोर्स ही विल गिव एन एडवर्स ओपिनियन इफ द इम्पैक्ट इज मटेरियल एंड परवेसिव। अभी तो बोला मटेरियल इम्पैक्ट है, तो आपका ऑडिटर क्या देगा, एक एडवर्स ओपिनियन देगा। मूविंग फॉरवर्ड with respect to the corresponding figures of the financial year 2019-20 in the current year of financial statement what are the auditors reporting responsibility for the same। corresponding figures को लेकर मेरे auditor की कोई भी responsibility नहीं होती है opinion देने की, ऐसा बोलता है 710, unless आपके auditor को कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलती है जिसके रिस्पेक्ट में पिछले साल एक अनमोडिफाइड ऑडिट ओपिनियन था। इस चीज़ को हम एसए नंबर 710 में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि ऑडिटर का ओपिनियन शुड रेफर टू ईच पीरियड। नहीं, ऑडिटर का ओपिनियन विल रेफर टू ईच पीरियड। किस केस में, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में। अगर एसए नंबर 710 की क्लास नहीं देखी है अभी जाके देखो, ओके, मतलब अभी नहीं, जब भी टाइम मिले तभी देखो, बट देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, दी ऑडिटर्स नीड टू रिपोर्ट ऑन द करंट ईयर फाइनेंशियल ओनली। क्यों करंट ईयर, वो करेगा कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स पे अगर 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 द ओपिनियन शैल नॉट रेफर्स टू द कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स। यस, उसका ओपिनियन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स पे ओपिनियन देने की, एक्सेप्ट except if the previous year period audit is other than an unmodified opinion और the auditor has sufficient. वो कह रहा कि पिछले साल या तो अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं था, मतलब इन शॉर्ट मॉडिफाइड ओपिनियन था और उस मॉडिफिकेशन का इम्पैक्ट आज भी रेलिवेंट है, और या तो आपके ऑडिटर को कुछ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं कि जो आपके कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स हैं उनमें मटीरियल मिस स्टेटमेंट है, राइट? तो आपका ऑडिटर उस केस में कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स पे भी ओपिनियन देगा. तो 10.2 का सी बहुत ही सिंपल, आपको ये लगना चाहिए था ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन अगर आपको 710 आता है तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था. 10.3 क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इन केस द प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ऑडिटेड. अगर पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं हुई है तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट दिस मैटर एज अ की ऑडिट मैटर पैरा इन हिज ऑडिट रिपोर्ट. की ऑडिट मैटर पैरा कहाँ से आ गया? देखिए तुमने एसए नंबर 701 की क्लास कब डालते हैं कि ऑडिट मैटर पैरा. दूसरा कह रहा है द ऑडिटर्स नीड टू रिपोर्ट दिस मैटर एज द ओएम पैरा. यस, ओएम पैरा डालेगा. एंड ऑडिटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस दैट ओपनिंग बैलेंस सो नॉट कंटेन्ड एनी ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो आंसर बनेगा इसका बी एंड सी. ओके, मतलब आपका ऑडिटर एक ओएम पैरा डालेगा इस मैटर को बताने के लिए, और उसके साथ साथ वो उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे कि ओपनिंग बैलेंस में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है. आगे क्या कह रहे हैं? प्रिपेयर दी, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ तुम्हें पता है ना, ये एसए नंबर 710 की बात हो रही है. अगर आपको 710 आता है तो वहाँ पे आपको ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो भी आता है, और ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिपोर्टिंग के रिलेशन में क्या है, इस चीज़ को हम एसए नंबर 710 में सीखते हैं. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या कहता है क्वेश्चन? Preparing the financial statement in accordance with the applicable financial reporting framework is the responsibility of management. Yes है. Which of the following is correct in regard to the disclosure of such management responsibility? Okay, आपको ये बताना है कि management की responsibility के disclosure को लेकर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. पहला, दिस इज इम्प्लाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. इम्प्लाइड नहीं है, एसए नंबर 700 में आपके ऑडिटर को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है एक पैराग्राफ में कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इम्प्लाइड नहीं है. मैनेजमेंट में अंडरटेक टू एक्सेप्ट सच रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू द इंगेजमेंट, नहीं. ऑडिटर रिपोर्ट शुड, ऑडिटर की रिपोर्ट एसए नंबर 700 में जब हम ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट सीखते हैं वहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट शुड डिस्क्राइब द मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ सेक्शन अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दिस इज योर आंसर. मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द ऑडिटर ऑफ डेल्को लिमिटेड डिसाइड टू गिव अ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर विद रिस्पेक्ट टू द नॉन कंसोलिडेशन, जो कि उसने दिया भी है एडवर्स ओपिनियन ऊपर, उस केस में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ ईओएम पैरा फॉर सम अदर मैटर. नंबर वन, ऑडिटर कैन गिव मी 2 मिनट यार, चलो कोई बात नहीं. ऑडिटर वो कह रहा है कि आपका ऑडिटर ने एडवर्स ओपिनियन दिया है. एडवर्स ओपिनियन दिया है किस चीज़ को? एडवर्स किस चीज़ को लेकर एडवर्स ओपिनियन दिया है? उसने एडवर्स ओपिनियन दिया कि आपकी मैनेजमेंट ने जो आपकी सोकर लिमिटेड थी उसकी कंसोलिडेशन नहीं करी है, ठीक है, इसको बेस बनाकर, इसको रीज़न बनाकर, क्योंकि इसका इम्पैक्ट मटेरियल था, उसने एक एडवर्स ओपिनियन दे दिया. अब ये क्वेश्चन कह रहा है क्या इसी चीज़ के रिलेशन में क्या ऑडिटर कैन नॉट ऐड ईओएम पैरा इन हिज ऑडिट रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर. एक मिनट. ऑडिटर कैन नॉट ऐड ईओएम पैरा इन हिज ऑडिट रिपोर्ट ऑन एनी मैटर एज क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन इज गिवन. हाँ, आपका एसए नंबर 706 कहता है कि जहाँ पे 705 है वहाँ 706 नहीं हो सकता. सिंपल सी बात है, आपके ऑडिटर ने जिन मैटर्स के रिलेशन में डिसक्वालिफिकेशन की है, मतलब जिन मैटर्स की वजह से उसने डिसक्वालिफिकेशन करी है, सॉरी क्वालिफिकेशन करी है अपनी ऑडिट रिपोर्ट की, मतलब जिन मैटर्स की वजह से उसने एडवर्स ओपिनियन दिया है, वही मैटर वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं डाल सकता अंडर ओएम पैरा या ईओएम पैरा, लेकिन कोई और मैटर तो वो ईओएम पैरा में डाल सकता है. तो ये बात गलत है. एनी अदर मैटर कैन बी इंक्लूडेड इन ईओएम पैरा, लेकिन वही मैटर जिन मैटर्स की वजह से उसने क्वालिफिकेशन दी है उन मैटर्स को वो ईओएम पैरा में नहीं डाल सकता. तो अगला पॉइंट ये कहता है ईओएम पैरा ऑन अ मैटर कैन बी एडेड येस इफ ऑडिटर ओपिनियन इज नाइदर क्वालिफाइड और नॉर एडवर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर. अगर उसी पर्टिकुलर मैटर के रिलेशन में तुमने क्वालिफिकेशन नहीं दी है तो तुम उस मैटर को ईओएम पैरा में डाल सकते हो, राइट? क्योंकि एक बात आप अंडरस्टैंड भी करो, अगर तुम उसी मैटर के रिलेशन में क्वालिफिकेशन दे रहे हो तो वो मैटर तो एनीवेज वो बेसिस फॉर डिसक्वालिफिकेशन, मतलब बेसिस फॉर आपकी क्वालिफिकेशन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन उस वाले पैराग्राफ में आ जाएगा ना। तो सेम मैटर को तुम ईओएम पैरा में क्या करोगे डाल के, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनता है। लेकिन किसी और मैटर के रिलेशन में तुम ईओएम पैरा या ओएम पैरा डाल सकते हो। Moving forward to next question, if the management discloses the fact of non-consolidation of the financial statement of Soccer Limited in the notes to account of the current financial year, what will be the impact on the audit report? Okay, so let's get back to क्या था क्वेश्चन। इफ द मैनेजमेंट डिस्क्लोसेस द फैक्ट ऑफ नॉन कंसोलिडेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोकर लिमिटेड इन द नोट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। क्वेश्चन कहता है कि अगर मैनेजमेंट कहती है कि मैं आपकी ये जो सोकर लिमिटेड है जो मैंने कंसोलिडेशन नहीं करी है, अगर इसका इम्पैक्ट मैं अपने नोट्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज कर दूँ तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। पहला ऑप्शन है द डिस्क्लोजर इन द नोट्स टू अकाउंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट who is preparing the financial statement, as such it will not affect the auditor का opinion। ऑडिटर के ओपिनियन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो क्वालिफिकेशन देनी ही पड़ेगी। तो आपकी मैनेजमेंट डिस्क्लोजर दे रही है, वो डिस्क्लोजर देना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपके ऑडिटर के ओपिनियन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन इग्नोर रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस और यू डोंट हैव टू इग्नोर द ऑप्शंस, यू हैव टू रीड द ऑप्शन। लेकिन अगर मैं पढ़ने लगी तो मेरे लिए कभी भी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो पाएंगी केस स्टडी, तो इसलिए आप ऑप्शंस को पढ़ना। ओके, let's move forward to next case study. Question number 21. The Chanakya Bank Limited, कौन सी कंपनी है, ये आपकी बैंक है चाणक्य बैंक लिमिटेड, was having 150 branches all over India। बैंक की 150 branches हैं इंडिया में, मतलब all over India इसकी कितनी branches हैं, 150 branches for the year ended 31 मार्च 2021, ठीक है। 10 branches of bank were already covered for the concurrent audit। टोटल है 150 ब्रांचेस, जिसमें से 10 ब्रांचेस की पहले से कॉन्करेंट ऑडिट हो रही है और आपकी बैंक की जो ऑडिट कमेटी है वो सोच रही है कि मैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इन ब्रांचेस की भी कॉन्करेंट ऑडिट कराऊं। कौन कौन सी? नंबर 1, बनारस की ब्रांच जो डील करती है ट्रेजरी फंक्शंस में लाइक इन्वेस्टमेंट, इंटरबैंक बोरोइंग्स बट नॉट इन बिल रीडिस्काउंटिंग, ठीक है। दूसरी कौन सी ब्रांच की ऑडिट कराने की सोच रहे हैं? इलाहाबाद की ब्रांच जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है। तीसरी, रायबरेली की ब्रांच जिसके एग्रीगेट डिपॉजिट और मोर देन 35% ऑफ द एग्रीगेट डिपॉजिट ऑफ योर एंटायर बैंक। ओके, Sista and Associates chartered accountants were appointed as the stock auditors by the bank audit committee for 5 branches for the year ended 2020-21। कहता है आपके Sista and कंपनी को आपके बैंक ने अपना स्टॉक ऑडिटर अपॉइंट किया है अपनी 5 ब्रांचेस के लिए 2020-21 के लिए। और बैंक की मैनेजमेंट ने जब इनकी अपॉइंटमेंट करी, उन बैंक की मैनेजमेंट ने ही ऑडिटर की रेम्यूनरेशन फिक्स करी, जबकि आपकी रेम्यूनरेशन किसको फिक्स करनी चाहिए, आपके मेंबर्स को। कहाँ पे फिक्स करनी चाहिए? एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है। उसके साथ साथ एट द कानपुर ब्रांच ऑफ द बैंक देयर वर हैविंग, अच्छा कुछ और भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज द स्टैच्यूटरी ऑडिटर्स ऑल्सो फॉर दी। और वो ये सोच रहे हैं कि जो हमारे बैंक के स्टॉक ऑडिटर्स हैं उन्हीं को हम अपने स्टैच्यूटरी ऑडिटर भी बना दें बैंक के, विच इज़ रॉन्ग। आपके बैंक का जो स्टॉक ऑडिटर है वो आपके बैंक का स्टैच्यूटरी ऑडिटर नहीं हो सकता। आगे कहता है क्वेश्चन, एट द कानपुर ब्रांच ऑफ द बैंक, जो आपके बैंक की कानपुर ब्रांच है, there were high value cash deposit in one of the current account during April 2021। किसी एक पर्टिकुलर करंट अकाउंट में बहुत ज़्यादा ह्यूज कैश का डिपॉजिट हुआ है अप्रैल 2021 में। योर फर्म हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ द कानपुर ब्रांच, आप कानपुर ब्रांच के कॉन्करेंट ऑडिटर्स हो 2021-22 के लिए। कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच वाज रेमिटेड टू द करेंसी चेस्ट ऑन द वेरी सेम डे। कहते हैं जो आपकी बैंक कैश कलेक्ट करती है वो उसी दिन आपकी करेंसी चेस्ट में भेज देती है। बट ड्यूरिंग द कॉन्करेंट ऑडिट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021, जब आपकी अप्रैल 2021 की कॉन्करेंट ऑडिट हो रही थी, द ऑडिटर नोटिस्ड द ब्रांच वाज अनेबल टू शो इंटीमेशन, मतलब वो इंटीमेशन नहीं दिखा पाई। सेंट वाई ईएमएल टू द करेंसी चेस्ट फॉर द कैश रेमिटेंस, मतलब उसने देखा। वैसे इंटरनल कंट्रोल क्या पॉलिसीज़ क्या है कि सेम डे पे तुम्हें बैलेंस कहाँ पे भेजना है, पैसा कहाँ पे भेजना है, करेंसी चेस्ट में। लेकिन जब आपका ऑडिटर ऑडिट कर रहा था तो वो इंटीमेशन नहीं दिखा पाई, मतलब वो प्रूफ नहीं दे पाई कि उन्होंने रेमिटेंस की है अप्रैल 2021 के। ठीक है, अब आपको आंसर देने हैं इन क्वेश्चन के। नंबर वन, सिस्ता एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर ऑलरेडी अपॉइंटेड फॉर दिस स्टॉक ऑडिट बाय योर ऑडिट कमेटी फॉर द 5 branches। तुम पहले से स्टॉक ऑडिटर हो तो क्या तुम अपने बैंक के स्टैचूरी ऑडिटर बन सकते हो? मैं बता चुकी हूँ नहीं बन सकते। तो वो कहता है नंबर वन, सिस्ता एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज इट वाज नॉट ऑफर्ड। भाई किसने ऑफर्ड किया, बैंक की कमेटी ने किया, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके स्टैचूरी ऑडिटर आपके बैंक के ऑडिटर नहीं बन सकते। तुम इन पॉइंट को पढ़ लेना, डी इसका आंसर होगा। इसमें आपकी एक्सप्लेनेशन लिखिए, क्या लिखिए, सिस्ता एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज द ऑडिट फर्म शुड नॉट टेक दिस स्टैच्यूरी ऑडिट असाइनमेंट। जब आप एसोसिएटेड हो बैंक के साथ उसके इंटरनल असाइनमेंट में। आप पहले से स्टॉक ऑडिटर हो ना तो आप स्टैच्यूरी ऑडिटर नहीं बन सकते। ठीक है, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर टू, वेदर द बैंक की मैनेजमेंट इज अथोराइज्ड टू अपॉइंट एंड फिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ द स्टैच्यूरी ऑडिटर। नहीं, मेंबर्स करेंगे, एजीएम में करेंगे। तो कहता है बैंक की मैनेजमेंट कैन नॉट एक्सेप्ट और फिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ द स्टैच्यूरी ऑडिटर अनलेस द सेम इज पास्ड बाय अ रेजोल्यूशन इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द बैंक। या तो मेंबर डिसाइड करे या तो मेंबर एक मैनर प्रोवाइड कर दे, रेजोल्यूशन पास कर दे कि किस मैनर में मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे रेम्यूनरेशन को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, ए बनेगा। बाकी पॉइंट आप पढ़ सकते हो बट इसमें कोई सेंस नहीं बनेगी, किसी में कोई चीज़ मिसिंग होगी, किसी में कोई चीज़ मिसिंग होगी। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव बीन आस्क्ड बाय योर सीनियर टू वेरीफाई दी हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट एट दी कानपुर ब्रांच। हाँ, आपको बोलना है कि तुम्हें कानपुर ब्रांच में जो हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट है उसको चेक करना है। तुम एज एन ऑडिटर किन किन चीज़ों को चेक करोगे? अब आपका ये होता है बेस्ट केस सिनेरियो वाली केस स्टडी। इसमें आपको जो भी बेस्ट ऑडिट प्रोसीजर लगता है उसको चूज करना है। नंबर वन, कॉन्करेंट ऑडिटर हैज़ टू वेरीफाई द डिटेल्स ऑफ द कैश रेमिटेंस टू करेंसी चेस्ट ओनली। सिर्फ इतना नहीं, आगे यू नीड टू वेरीफाई द KYC डॉक्यूमेंट्स। येस, हमें KYC तो चेक करने पड़ेंगे, उसके साथ साथ एंड द रीजंस फॉर हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट। येस, ये भी चेक करना पड़ेगा और उसका किस नेचर का है ये भी देखना पड़ेगा। येस, आगे देख लेते हैं, वेरीफाई करने पड़ेंगे KYC डॉक्यूमेंट। येस, क्यों, क्या था रीज़न, ये भी देखना पड़ेगा। येस, किस नेचर का है। येस, क्या डिस्क्रिपेंसीज मिली, इसको भी देखेंगे। येस, और अगर मिली देन इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स ऑफ द करेंसी चेस्ट रेमिटेंस तुम प्रॉपरली मेंटेन कर रही हो। तो ये तुम्हारा बेस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स यहाँ पे बनेगा। राइट आगे क्या लिखा है, एज द कॉन्करेंट ऑडिटर यू नीड टू वेरीफाई द रीजंस येस एंड द नेचर। दो चीज़ें नहीं, मैंने आपको क्या बोला, बेस्ट केस सिनेरियो, बेस्ट ऑडिट प्रोसीजर क्या है ये चीज़ करना। बेस्ट ऑडिट प्रोसीजर मतलब जहाँ पे ऑडिटर को सबसे ज़्यादा उसका कंफर्ट मिलेगा उस पर्टिकुलर असर्शन के ऊपर, उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑडिट प्रोसीजर है आपका पॉइंट नंबर सी। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है हाउ इज द डिस्क्रिपेंसी ऑफ नॉट प्रिजर्विंग द इंटीमेशन ऑफ द कैश रेमिटेंस। तुम क्या हो, तुम हो कॉन्करेंट ऑडिटर। तो ये जो तुम्हारी ऑडिटर ने जब ऑडिट करी उसको जब इंटीमेशन नहीं मिली, मतलब वो आप इंटीमेशन अब भेज रहे हो कि मतलब आपने रेमिटेंस भेजी करेंसी चेस्ट को, उससे रिलेटेड इंटीमेशन तुम प्रिजर्व नहीं कर सकते कर रहे हो, आपके ऑडिटर को कोई भी इंटीमेशन का रिकॉर्ड नहीं मिला, तो एज एन ऑडिटर तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? क्या तुम सीधा उसको अपनी रिपोर्ट में डाल दो? तुम कौन हो, तुम हो कॉन्करेंट ऑडिटर। तुम्हारा मेन काम क्या है, उस ब्रांच में होने वाली फंक्शनिंग को चेक करना, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट को सजेस्ट करना कि क्या क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं, जाके उस ब्रांच के मैनेजर को बताना और उस मैनेजर को बोला इसको ठीक करे। और तुम उसको देखना कि क्या ब्रांच मैनेजर ने उसको ठीक किया या नहीं किया। अगर कहने के बाद भी ठीक ना करे, अपने अगली रिपोर्ट में देखना, फिर से अगले महीने की जब तुम ऑडिट करोगे अगर उसने तब तक उसको ठीक नहीं किया तब तुम उसको अपनी रिपोर्ट में लेके जाना। ठीक है, तो कहता है कि ऑडिटर उसको रिपोर्ट कर दिया एज अ मेजर इरेगुलरिटी नहीं। फिर कहता है ऑडिटर वेरीफाई करे द डिटेल्स फ्रॉम ई मेल सेंड टू करेंसी चेस्ट एंड क्लोज द मैटर। मैटर तुम क्लोज नहीं कर सकते, तुम्हें रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी। आगे कहता है एज इट इज़ अ माइनर तो कोई इरेगुलरिटी नहीं है। फिर कहता है दी ऑडिटर शुड डिस्कस दी इम्पोर्टेंस। तुम डिस्कस करो अपने ब्रांच के मैनेजर के साथ कि कितना इम्पोर्टेंट है करेंसी चेस्ट में जिस पैसे को तुम भेज रहे हो उसके रिलेशन में इंटीमेशन को मेंटेन करना, या तो हार्ड कॉपी में या तो सॉफ्ट कॉपी में। और देखो अगले ऑडिट पीरियड में जब तुम अगले महीने में कॉन्क्लेंट ऑडिट करोगे कि क्या ब्रांच मैनेजर ने तुम्हारी सजेशन का कंप्लायंस किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो उस केस में तुम इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लेके जाओगे। राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट केस स्टडी। केस सिनेरियो नंबर 3। अब ये केस सिनेरियो जो इंस्टीट्यूट ने न्यू केस स्टडीज रिलीज करी हैं वो बोर्ड ऑफ स्टडीज के पोर्टल पे, उसमें भी ये आपका केस सिनेरियो है। अब इसको आप यहाँ पे कवर कर रहे हो तो वहाँ पे कवर करने की जरूरत नहीं है, नाम वहाँ पे अलग है। राइट, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सीए स्नेहा इज अ पार्टनर ऑफ मेसर्स जे एंड एसोसिएट इज कैरिंग आउट अ स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द मेसर्स एबीसी स्टोर्स लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 एंड शी इज रेडी टू साइन हर ऑडिट रिपोर्ट ऑन 1 जुलाई 2023। आप इवेंट लिखते जाओ, कौन से फाइनेंशियल ईयर की आप ऑडिट कर रहे हो, 2022-2023 की ऑडिट करी है सीए स्नेहा, एंड वो ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के लिए रेडी हो चुकी है 1 जुलाई 2023 को। अच्छा, क्वेश्चन आगे कहता है देयर आर सम ऑफ द रिटन रिप्रेजेंटेशंस व्हिच आर पेंडिंग विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी प्रिटेनिंग टू सच एन ऑडिट एंड शी सेंट दीपक हर आर्टिकल ट्रेनी हु इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम टू द कंपनीज ऑफिस फॉर द कलेक्शन ऑफ द सेम। तो आपकी इस सीए स्नेहा को कंपनी से कोई WR लेनी होगी, जो WR अभी तक इसको मिली नहीं है वो कंपनी पे पड़ी हुई है, तो इसने अपने आर्टिकल को भेजा उन रिटन रिप्रेजेंटेशन को लेने के लिए। On returning back, Deepak tells CA Sneha that major stock of the company got destroyed because of the fire in their plant on 27 जून 2023। तो कहता है कि जब वापस आया सीए दीपक एक न्यूज लेकर आया, और न्यूज क्या थी कि आपकी इस कंपनी के प्लांट के अंदर आग लग गई है। किस डेट पे लगी है ये? 27 जून 2023। मतलब रिपोर्ट बनने से पहले, इसको यहाँ पे लिखो, बल्कि रिपोर्ट बनने से पहले ही आग लग चुकी है ये 27 जून 2023। आगे कहते हैं एंड इट हैज अफेक्टेड द कंपनीज ऑपरेशन बैडली, हाउएवर द बिजनेस ऑपरेशंस आर लाइकली टू बी रिज्यूम्ड बाय द मैनेजमेंट एट एन ऑल्टरनेट प्लेस। कहते हैं कि कंपनी के बिजनेस काफी हद तक इससे अफेक्ट हुए, लेकिन कंपनी अपने बिजनेस को रिज्यूम करेगी किसी और जगह पे। CS Neha postponed the issuance of audit report to consider the impact of such an event on the financial state of affairs of the company। तो CS Neha जो अपनी audit report को issue करने का सोच रही थी 1 जुलाई 2023 को, अब CS Neha ने अपनी report को issue करना postpone कर दिया है, क्योंकि वो evaluate करना चाहती है कि ये जो event हुआ है it is a subsequent event, क्योंकि ये financial statement date के बाद हो रहा है but auditors report date से पहले हो रहा है, इसका effect क्या पड़ रहा है entity के state of affairs के ऊपर। She wants the management to disclose the impact of this unfortunate event in the financial statement for the year 2022-23 to which management has declined this offer। मतलब वो कह रही है कि देखो चूंकि ये एक सब्सिक्वेंट इवेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल डेट के बाद हो रहा है बट ये ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट से पहले हो रहा है, तो इसको पता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर नंबर 560। तो इसने मैनेजमेंट को बोला कि ये देखो एडजस्टिंग इवेंट तो नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट डेट के ऊपर कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी कि आग लगेगी, लेकिन ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो आपकी मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपने नोट्स टू अकाउंट्स में इसका डिस्क्लोजर देना चाहिए। CS ने आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मैनेजमेंट ने मना कर दिया। After the management refusal, she issued her audit report on 15 जुलाई 2023। इसने ऑडिट रिपोर्ट को इशू कर दिया, किस डेट पे? 15 जुलाई 2023 पे। ओके, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी सीक्स एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम सीए स्नेहा टू डिस्कस एन इंपॉर्टेंट मैटर ऑन 20 जुलाई 2023। इसके बाद एक और डेट आई 20 जुलाई 2023, मतलब 5 दिन के बाद मैनेजमेंट आती है सीए स्नेहा के पास, अपॉइंटमेंट मांग रही है उसकी, और मैनेजमेंट ने उसको बताया कि कंपनी हैड लॉस्ट अ लॉ सूट फाइल्ड अगेंस्ट इट बाय वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑन 18 जुलाई 2023 कि 18 तारीख को, मतलब ऑडिटर्स रिपोर्ट के बनने के बाद 18 तारीख को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा था और कंपनी उस केस को हार चुकी है, और अब आपकी कंपनी को 2 करोड़ रुपए पेनल्टी पे करनी है, और ये जो लॉ सूट है ये कब अराइज हुआ है? बैलेंस शीट डेट के बाद अराइज हुआ है। अच्छा, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना चुके हैं, उसके बाद उसको कोई फैक्ट पता लग रहा है कि कंपनी केस हार चुकी है, राइट, और अब कंपनी को पेनल्टी पे करनी है 2 करोड़ रुपए की। ये कब पता लग रहा है उसको? 20 जुलाई को। तो क्या आपके ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ऐसे फैक्ट को लेकर जो उसको अपनी रिपोर्ट बनाने के बाद पता चल रहा है? आंसर इज नो। ऐसे नंबर 560। क्वेश्चन आगे कहते हैं सीएस नेहा इज बिट upset, and her first question to the people of the management visiting her office was whether audited financial statement has been made available to any third party or filed with the regulator. तो उसने पूछा आपकी मैनेजमेंट से, अब वो गुस्सा है थोड़ी सी कि आपने मुझे इस केस के बारे में नहीं बताया, और उसने ये पूछा कि क्या आपकी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी की, क्या आपकी कंपनी ने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थर्ड पार्टी को इशू कर दिया, जैसे कि उसके शेयर होल्डर्स वगैरह हो गए, या रेगुलेटर्स को फाइल कर दिया, आपको आरओसी में इनकी फाइलिंग करनी पड़ती है। मैनेजमेंट ने जो आंसर दिया वो था ना। ठीक है, मतलब अब ये सिचुएशन नंबर 2 होगी कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो ऑडिटर को पता लग रहे हैं आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशू टू द थर्ड पार्टी। नाउ CS नेहा वॉन्ट्स देम टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। CS नेहा कह रही है कि आपको इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करना पड़ेगा, एंड आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये जो लॉस सूट का इम्पैक्ट पड़ रहा है कंपनी के ऊपर, आप उस इम्पैक्ट को शो करो। दिस टाइम मैनेजमेंट अब चुपचाप मान गई एंड उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड कर दिया टू कवर द इम्पैक्ट ऑफ बोथ द इवेंट, दोनों, वन ऑफ द फायर इन द प्लांट एंड लूजिंग द लॉस सूट, बट दे रिक्वेस्टेड द CS नेहा कि आप एक नई रिपोर्ट इशू कर दो अगेंस्ट द अर्लियर वन डेटेड 15 जुलाई 2023। तो जो आपके CS नेहा की ये पुरानी ऑडिट रिपोर्ट है, इसकी जगह पे उसकी मैनेजमेंट कहती है कि आप नई रिपोर्ट को इशू कर दो। क्या वो ऐसे कह सकती है? यस, हमने पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ा था और मैंने बोला था कि नीचे जाके आपको MCQ भी ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस प्रोसीजर को मैं दोबारा से डिस्कस नहीं कर रही हूँ। हाँ, वो आपकी जो CS नेहा है, यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन आपकी मैनेजमेंट करेगी, अमेंडमेंट करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगी और वो अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक नई ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकती है, लेकिन उस ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑन व्हिच द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन अप्रूव्ड। ठीक है, आगे कहता है मैनेजमेंट ने अमेंड कर दी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर फाइनली अप्रूव्ड। कब हुई है ये आपकी अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव? ये हुई है 25 जुलाई 2023 को। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ऑडिटर अपनी जो रिपोर्ट बनाएगा वो इस डेट से पहले की नहीं हो सकती। आगे कहते हैं CS नेहा इश्यूज अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। अब आपने ऊपर सिनेरियो को देख लिया, आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने, बहुत ही सिंपल सा। अब आपको ये क्वेश्चन लगेगा क्या, व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट डेट ऑफ साइनिंग द न्यू ऑडिट रिपोर्ट? इस डेट से पहले की नहीं हो सकती, इसका मतलब या तो आप इस डेट पे करोगे या तो इसके बाद करोगे। तो इसका आंसर बनेगा 25/7/2023, ये अप्रूवल की डेट है। ठीक है, आगे CS नेहा वुड हैव टू टेक इनटू अकाउंट अ लॉट ऑफ प्रोसीजर टू गेट द नॉलेज ऑफ द इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट रिलेटिंग टू द कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर सच एन ऑडिट प्रोसीजर। कहते हैं कि CS नेहा को बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि कौन कौन से इवेंट ऐसे हैं जो अक्कर हो रहे हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द इशू ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। नीचे दिए गए प्रोसीजर में से कौन सा प्रोसीजर नहीं है जिसको CS नेहा परफॉर्म करेगी? सिचुएशन नंबर 1, ऐसे नंबर 560 डायरेक्ट प्रोसीजर ही आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले, क्या वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगी मैनेजमेंट के प्रोसीजर की? यस, बिल्कुल करेगी। दूसरा, क्या वो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू द अक्यूरेंस ऑफ एनी सब्सिक्वेंट इवेंट्स? यस, वो मैनेजमेंट से पूछेगी कि क्या आपको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में पता लगा। रीड करेगी और मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड हेल्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट ड्यूरिंग द पीरियड। यस, गेटिंग द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी सही है, लेकिन प्रिपेयर्ड टिल द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मैंडेटरीली एज अ कंडीशन टू इशू द ऑडिट रिपोर्ट। अगर तुम जाके देखोगे ऐसा कोई ऑडिट प्रोसीजर वहां पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, आगे विद रिस्पेक्ट, अच्छा इसका आंसर बनेगा डी, विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑडिट रिपोर्ट जो आपकी CS नेहा ने साइन करी थी 15 जुलाई 2023 को, विच टाइप ऑफ ओपिनियन वॉज मोस्ट लाइकली टू बी प्रोवाइडेड बाय हर। भाई उसने बोला कि तू इसको अमेंड कर दे, मतलब उसने बोला कि तू डिस्क्लोजर दे दे इस जो तेरी इसमें आग लगी है स्टॉक के अंदर, राइट, इस जो स्टॉक डैमेज हुआ है। मैनेजमेंट ने उसको मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी डिस्क्लोजर। तो वो क्या करेगी, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता, अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगी। तो वो मॉडिफाई ओपिनियन यहाँ पे इशू करेगी। आगे विद रिस्पेक्ट टू द न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू विच टाइप ऑफ द ओपिनियन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। वो खुश है, क्यों? क्योंकि आपकी मैनेजमेंट ने वही किया है जिसको करना चाहिए था, उसने अप्रोप्रिएटली इफेक्ट को शो कर दिया। तो वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन इशू करेगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और वो चाहेगी कि जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उनको पता लगे इस फैक्ट के बारे में। तो फिर वो वहाँ पे एडिशनल कम्युनिकेशन कर सकती है बाय द वे ऑफ EOM एंड OM पैरा। ठीक है, तो कहती है अनक्वालिफाइड ओपिनियन इशू करेगी एंड वो स्टेटमेंट देगी या तो EOM या फिर OM पैरा के अंदर। तो ये आपका आंसर बनेगा। Aage, the fire event which is occurring on 27 June 2023 in the company's plant requiring following actions on the part of management. Management को क्या करना चाहिए था आप मुझे बताओ. क्या ये आग लगी इसके होने के चांसेस जो जून में आग लगी है, क्या इस आग की लगने की कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी? नो. तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? नो. क्या ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? यस. तो अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो मैनेजमेंट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसकी एडजस्टमेंट करनी चाहिए या डिस्क्लोजर देना चाहिए? डिस्क्लोजर देना चाहिए. तो इसका आंसर क्या बनेगा? डिस्क्लोजर देना चाहिए. तो कहते हैं डिस्क्लोजर दे दो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, बस ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं नहीं नहीं, तो इस डिस्क्लोजर देना चाहिए. सो दिस वॉज योर केस स्टडी. केस स्टडी नंबर 17, ये भी बहुत ही अच्छी केस स्टडी है, अच्छी नहीं बहुत ही सिंपल केस स्टडी है, बहुत ही सिंपल सी केस स्टडी है. ग्रुप ऑडिट के चैप्टर से ये केस स्टडी है एंड आपको अगर ये चैप्टर आता है इस केस स्टडी को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे. आपको कंसोलिडेशन की अकाउंटिंग एडजस्टमेंट भी पता है ना, जिसको आप एफआर के अंदर पढ़ते हो, तो भी आप इस केस स्टडी को ईजिली बिना किसी प्रॉब्लम के अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज ज़्यादा लगेगी एज कम्पेयर टू ऑडिट की नॉलेज. केस स्टडी कहती क्या है? कहता है दैट वाइल ऑडिटिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गुप्ता इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 विच इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑडिटर ऑडिट कर रहा है गुप्ता इंडस्ट्रीज लिमिटेड की. ये एक मैन्युफैक्चरिंग आपकी कंपनी है. कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? 2022-2023 के लिए. एंड आपका जो ऑडिटर है वो ऑडिट कर रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की. एंड ये कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है इन अकॉर्डेंस विद डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3, इसका मतलब एज पर इंड एस. सीए प्लाश आपका ऑडिटर है एंड सीए प्लाश ने ऑडिट करने के बाद ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जो नीचे नोट करी हैं. क्या? सबसे पहले कहता है द नोट्स टू अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आपकी कंपनी ने जो अपनी CFS बनाई है और उस CFS के जो नोट्स टू अकाउंट है, दोज नोट्स टू अकाउंट डिस्क्लोज एडिशनल इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी कंपनी. अगर आप इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट जाके देखोगे शेड्यूल 3 का, तब आपको ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये अच्छे से समझ में आएगा. मैं आपको दिखाऊंगी वो गाइडेंस नोट, क्योंकि तब ही आप इसका आंसर दे सकते हो जो आपके यहाँ पे इस केस स्टडी के नीचे पूछा हुआ है. क्या कह रहा है कि जो आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है आपकी कंपनी ने, किस चीज को लेकर? आपकी कंपनी की होल्डिंग कंपनीज एंड सब्सिडरीज को लेकर. एंड इट प्रोवाइड्स डिस्क्लोजर रिगार्डिंग परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट. एंड जो उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी हुई है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम along with their respective amount pertaining to holding company and its subsidiary company. इसके साथ साथ डिस्क्लोजर दिया हुआ कि कितना अमाउंट इन एसेट्स का, इस कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये बिलोंग करता है, रिलेटेड है होल्डिंग कंपनी और इट्स सब्सिडियरी कंपनी से. ठीक है, इसको अगर तुम नहीं समझ पाए हो अभी कोई बात नहीं, जब नीचे क्वेश्चन आएगा जो इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट है शेड्यूल 3 का, मैं आपको दिखाऊंगी वहां पे, तब आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, आगे कहते हैं इट इज नोटिस्ड बाय हिम, ऑडिटर ने और भी क्या नोट किया है? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वन फॉरेन सब्सिडरी व्हिच इज इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो आपकी जो कंपनी है वो अपनी CFS बना रही है, वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है, मतलब उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किस हिसाब से बन रही है. 1 अप्रैल 2022 से लेकर 2023 तक, मतलब 31 मार्च 2023 तक. लेकिन आपकी इस कंपनी की कोई फॉरेन सब्सिडरी है जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंक्लूडेड है, और ये फॉरेन सब्सिडरी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है अप टू 31 दिसंबर 2022. तो मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती होगी वो कैलेंडर ईयर है, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, इन अकॉर्डेंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट इन US. कहता है कि क्योंकि US के अंदर ऐसे ही आपकी रिक्वायरमेंट है. ही फील्स इट टू बी वियर्ड, आपके ऑडिटर को लगता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए. And he is of the view that consolidated financial statements of group could present a distorted picture. उसको लगता है कि अगर ऐसा होगा तो जो ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो एक गलत पिक्चर को शो करेगी. मैनेजमेंट उसको बताती है दैट इट इज नॉट practicable to draw the financial statements of foreign subsidiary to 31 मार्च 2023 कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो आपके फॉरेन सब्सिडियरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाए अप टू 31 मार्च 2023। ओके, ड्यूरिंग द ईयर थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या नोट की उसने दैट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 गुडविल है ₹50 करोड़ की एंड ये गुडविल कहां से आई है फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी ड्यूरिंग द ईयर एंड देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। अच्छी बात है, तो उन्होंने किसी एंटिटी को एक्वायर किया होगा, वहां से गुडविल उनकी अराइज हुई है जिसका अमाउंट क्या है ₹50 करोड़ का और बैलेंस शीट डेट पर उसके रिलेशन में कोई भी इंपेयरमेंट नहीं है, मतलब वो अब भी ₹50 करोड़ की इशू हो रही है। Besides, adjustment have been made in consolidated financial statement with respect to intra-group indebtedness and those related to harmonization of different accounting policies being adopted by parents and its subsidiary. कहता है इसके साथ साथ जो करंट ईयर की एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी वो एडजस्टमेंट भी आपकी एंटिटी ने करी है। ओके, इट इज नोटिस्ड बाय हिम, ऑडिटर ने यह भी नोटिस किया है क्या दैट वन सब्सिडियरी वाज एक्वायर्ड ऑन 15/6/2022। आपका फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है 1/4/2022, कब तक जाता है 31 मार्च 2023 तक जाता है। इस सब्सिडियरी को आपने एक्वायर कब किया है 15/6/2022 में, मतलब मिड ऑफ ईयर में इसकी एक्विजिशन हुई है। He is in dilemma, वो confusion में है किस चीज को लेकर as to the regard to correctness of consolidation of its financial statements in group of financial statements। उसकी problem क्या है, उसकी dilemma क्या है, उसका confusion क्या है कि क्या तुम्हारी entity ने proper consolidation करी है इस new subsidiary की या नहीं अपनी group की consolidated financial statements के अंदर। क्वेश्चन आगे कहते हैं बिसाइड्स ही इज ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूडिंग द मैटर्स विच आर टू बी रिपोर्टेड अंडर कारो 2020 इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है और अब वो सोच रहा है कि मैं कारो में किन मैटर्स को इंक्लूड करूं। कारो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हमने क्लोज पढ़ा था, क्लोज नंबर 21 जो लास्ट क्लोज है आपका पैरा नंबर 3 का, वहां पे एक सिचुएशन में आपको कारो में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है कारो का चैप्टर खोलो फिर वहां पे देखो, जब नीचे क्वेश्चन आएगा तब आपको याद आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपके पास बुक होगी, आप खोल के देख सकते हो, राइट। तो कहता है बिसाइड ही इज ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूडिंग द मैटर्स विच आर टू बी रिपोर्टेड अंडर कारो 2020 इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाउएवर ही इज इन फिक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैनर ऑफ रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020। यहां भी उसको कंफ्यूजन है कि मैं कारो में रिपोर्टिंग कैसे करूं रिलेटिंग टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब आपने ऊपर जो केस सिनेरियो पढ़ लिया, अब आपको आंसर देने नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन क्या है कंसीडरिंग डिस्क्लोजर ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज स्टेटेड इन पैरा नंबर 1 ऑफ द केस स्टडी। आपको ये बताना है नीचे दिए गई सेंटेंस में से कौन सी सेंटेंस करेक्ट है। सबसे पहले मैं आपको गाइडेंस नोट दिखाती हूं इंस्टीट्यूट का, जहां पे क्या है आपकी जो एंटिटी है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है उन एंटिटीज को लेकर जिन एंटिटीज को आपकी एंटिटी ने कंसोलिडेट किया है ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है, मतलब कोई भी सब्सिडियरी जिनकी भी कंसोलिडेशन हुई है उनके रिलेशन में आपकी एंटिटी को एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है इन दी नोट्स टू अकाउंट्स, राइट। आपकी एंटिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो उसको भी ये अपने नोट्स टू अकाउंट के अंदर इस टेबल को मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आप बताओगे नेम ऑफ द एंटिटी इन ग्रुप, मतलब उस ग्रुप में किस एंटिटी की आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उसके नेट एसेट कितने हैं एंड शेयर कितना है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, शेयर कितना है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, शेयर कितना है टोटल इनकम का। तो आपको ये डिस्क्लोजर यहाँ पे देने पड़ते हैं। फिर आप ये बताते भी हो कि किसकी आप बात कर रहे हो, मतलब पेरेंट की सब्सिडी की, राइट, उसमें से तुम्हारी फॉरेन सब्सिडी कौन सी है, तो ये सारे डिस्क्लोजर आपको देने पड़ते हैं। अगर तुम क्वेश्चन में आके देखोगे ना यहाँ पे इस टेबल के अंदर किस किस के डिस्क्लोजर की बात हुई है कि आपको डिस्क्लोजर देने हैं इन रिलेशन टू नेट एसेट, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड शेयर इन टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जो तुम्हारे एंटिटी ने डिस्क्लोजर दिए हैं, वहां पे शेयर इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिलेटेड डिस्क्लोजर नहीं लिखे हुए हैं। अभी तुम देख भी सकते हो, ऊपर जाना कहां पे था, पैरा नंबर 1, दोबारा से पढ़ोगे अब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कहता है द नोट्स टू अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आपकी कंपनी अपनी CFS बनाती है और उस CFS के अंदर अपने नोट्स टू अकाउंट्स बनाती है तो आपकी एंटिटी को एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं जो किससे रिलेटेड होंगे, आपकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी। इट प्रोवाइड्स डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट, परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट, परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड परसेंटेज ऑफ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें एक चीज मिसिंग है और वो क्या है, आपकी परसेंटेज ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यही आपका आंसर यहां पे बनेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ, कहां चला गया क्वेश्चन, ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। अब आपने ऊपर डिस्क्लोजर देखे, Considering the disclosure of additional information in consolidated financial statement as stated in para 1 of the case study, आपको ये बताना है कि नीचे दी गई स्टेटमेंट में से क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर 1, said disclosure proper नहीं है, ये तो मैं समझ में आ गया, एक मिसिंग है। तो said disclosure is not proper as percentage of consolidated revenue from operation along with respective amount, कि कितना अमाउंट आपकी होल्डिंग का है, सब्सिडी का है, ये भी आपको देना पड़ेगा। आप क्या आपने टेबल के अंदर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की परसेंटेज शो करनी है, ये ऐसा कोई डिस्क्लोजर देखा नहीं, तो ये गलत है। दूसरा, सेड डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, एज परसेंटेज ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आपकी मैनेजमेंट को शो करना चाहिए था अलोंग विद कि कितना अमाउंट आपकी होल्डिंग का है, कितना आपकी सब्सिडी का है। सो दिस इज योर राइट सेंटेंस। मैंने आपको डिस्क्लोजर दिखाया, ये आप बाकी पढ़ोगे तो ये गलत है लिखे हुए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कहते हैं, व्हाट शुड बी द ऑडिटर्स proper course of action pursuant to a situation which is highlighted in para number 2 relating to the financial statements of foreign subsidiary। पैरा नंबर 2 के अंदर सिचुएशन क्या थी, पैरा नंबर 2 के अंदर सिचुएशन है कि आपकी कंपनी तो अपना फाइनेंशियल ईयर जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करती है वो तो करती है 31 मार्च को, लेकिन उसकी जो फॉरेन सब्सिडरी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करती है वो करती है 31/12 को। ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑडिटर की एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि जो भी इवेंट्स, जो भी ट्रांजेक्शन 31/12 के बाद मार्च तक हुई हैं, ऑडिटर को उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ऊपर सिचुएशन है तो ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि जो भी 31/12 के बाद और 31 मार्च तक की जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो भी इवेंट्स अकर हुए हैं, ऑडिटर को उनकी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, ये उसका कोर्स ऑफ एक्शन है। तो कहते हैं सबसे पहला ऑप्शन, द ऑडिटर शुड इंसिस्ट फॉर ड्रॉइंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन सब्सिडियरी टू 31 मार्च। मैनेजमेंट ने बोल दिया ना प्रैक्टिकल नहीं है तो वो फोर्स नहीं कर सकता। रीजंस फॉर इम्प्रैक्टिबिलिटी इज मियर एक्सक्यूज, कहता है कि पॉसिबल नहीं है तो मैनेजमेंट सिर्फ एक्सक्यूज दे रही है। अगर मैनेजमेंट नहीं बनाएगी अब टू 31 मार्च तक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनी फॉरेन सब्सिडियरी की, तो फिर उसको मॉडिफिकेशन देनी पड़ेगी। दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच। दूसरा कहता है ऑडिटर एक्सेप्ट कर ले मैनेजमेंट का वर्जन, ऑडिटर एक्सेप्ट कर ले मैनेजमेंट का वर्जन, बट आगे काम क्या करेगा ये तो बताना पड़ेगा ना। कहता है ऑडिटर कैन एक्सेप्ट द मैनेजमेंट वर्जन, absolutely right, however it is the duty of auditor to verify those adjustment for the effect of the significant transactions or events which are occurring between 1st January 31/12 के बाद and up to 31 मार्च। समझ में आ गया, तो ये उसका यहाँ पे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे होगा, मॉडिफिकेशन की बात नहीं आ रही यहाँ पे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल एंड अदर मैटर्स विच आर डिस्क्राइब्ड इन केस सिनेरियो। ओके, गुडविल के रिलेशन में जब आपकी मैनेजमेंट एडजस्टमेंट करती है उसको आप क्या कहते हो, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, एंड जो अदर एडजस्टमेंट आप कर रहे हो उनको आप क्या बोलोगे, जो ड्यूरिंग द ईयर आपको करनी पड़ती है हर साल, उनको आप कहते हो करंट ईयर एडजस्टमेंट। तो कहता है गुडविल रिप्रेजेंट करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, आंसर इज नो। परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होती है, आप इसको उस टाइम पे करते हो जब आपने एक्विजिशन करी है। फिर कहता है एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुडविल, इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस एंड दोज रिलेटिंग टू हार्मोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज व्हिच आर बीइंग एडॉप्टेड बाय द पेरेंट एंड इट्स सब्सिडियरीज रिप्रेजेंट करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। ये भी गलत है, ये सारी की सारी तो करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, लेकिन गुडविल क्या है? परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। इनको समझाने की आई वुड लाइक टू बिलीव कि जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी भी एफआर को लेकर, एफआर के अंदर कंसोलिडेशन को लेकर, और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी इस चैप्टर की, ठीक है। फिर कहता है गुडविल रिप्रेजेंट परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, आंसर इज यस। एंड एडजस्टमेंट जो रिलेटेड है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट? रिलेटिंग टू इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस, रिलेटिंग टू हार्मोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज विच आर एडोप्टेड बाय पेरेंट एंड सब्सिडरीज। ये क्या रिप्रेजेंट करिए? करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो ये तुम्हारा आंसर बनेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सब्सिडरी विच इज एक्वायर्ड ऑन 15/6/2022। आपकी कंपनी ने एक सब्सिडी को एक्वायर किया है मिड ऑफ ईयर के अंदर, दैट इज 15/6/2022 पे। अब आपको बताना है इसके रिलेशन में नीचे दिए गए सेंटेंसेस में से क्या सही है। पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। नंबर 1, ऑडिटर वेरीफाई करेगा इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ द सब्सिडरीज विच आर इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द डेट इट गेन्स कंट्रोल। यस, जिस दिन पे इसके पास कंट्रोल आया। एंड इनकम एंड एक्सपेंस किसके ऊपर बेस्ड होगा? उन एसेट और उन लाइबिलिटीज के ऊपर जो तुम्हारी मैनेजमेंट ने रिकॉग्नाइज करे हैं एज ऑन द एक्विजिशन डेट, राइट। बाकी के ऑप्शन तुम पढ़ लेना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, एज रिगार्ड टू रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020 इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको क्या बताना है कि नीचे दिए गए सेंटेंस में से क्या सही है? कारो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ एक ही सिचुएशन में होगा जहां पे कारो जो जहां पे आपकी एंटिटी की जो सब्सिडीज हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो सब्सिडीज होंगी, राइट, तो वहां पे जो उनका ऑडिटर होगा उसके ऊपर तो कारो की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी। तो वहां पे अगर आपके ऑडिटर ने कारो के किसी भी मैटर को लेकर एडवर्स ओपिनियन दिया है, नेगेटिव रिमार्क दिया है, तो फिर आपको यहां पर उसको बताना पड़ता है कि कारो के किस पैराग्राफ के अंदर एडवर्स रिमार्क दिया गया है, किस सब्सिडरी से रिलेटेड एडवर्स रिमार्क दिया गया है, नेगेटिव रिमार्क दिया गया है, ठीक है। तो कहते हैं अ सेपरेट रिपोर्टिंग प्रोवाइड अ सेपरेट रिपोर्ट प्रोवाइडिंग क्लोज बाय क्लोज रिपोर्टिंग। सीएफएस के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता, तो क्लोज बाय क्लोज आपको जो नॉर्मल सिनेरियो के अंदर आप रिपोर्टिंग करते हो कारो में, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो कहते हैं इट वुड बी सफिशिएंट If report under Caro in respect of standalone financial statement is supplemented with additional information in respect to no. A separate report under Caro in respect of all subsidiaries which are incorporated in India together is नहीं, आपको नहीं रिपोर्टिंग करनी पड़ती, सिर्फ एक ही सिनेरियो में रिपोर्टिंग होगी। Reporting of details of subsidiaries together with paragraph number of reports under Caro 2020 of auditors of such company which has incorporated in India and उनके अंदर क्या है? नेगेटिव रिमार्क है, एडवर्स रिमार्क है, which are containing the qualification or adverse remark, it would be sufficient, it would serve the purpose, ठीक है। ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे, ये आपकी ए लिमिटेड है, ठीक है, इसको मान लेते हैं ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, ये इसकी S1 एक सब्सिडी है, ये S2 इसकी दूसरी सब्सिडी है। तो यहाँ पे इनका भी तो ऑडिटर होगा जो इनके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर रहा होगा। भले ही CFS के केस में कारो एप्लीकेबल नहीं होता, कारो की रिपोर्टिंग नहीं करनी है, बट ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिटर होगा ये तो कारो में रिपोर्टिंग करेगा ना। तो जब इसने कारो में रिपोर्टिंग करी क्लोज बाय क्लोज, अगर किसी मैटर को लेकर किसी पैराग्राफ के किसी क्लोज में इसने नेगेटिव रिमार्क दिया है, एडवर्स रिमार्क दिया, उसको तुम सिर्फ उतने ही पोर्शन की रिपोर्टिंग यहाँ पे होगी। समझ में आया? तो ये यहाँ पे तुम्हारा आंसर बनेगा डी। केस स्टडी नंबर 18 बहुत ही सिंपल सी केस स्टडी है, एसएम के चैप्टर नंबर 14 में भी यही केस स्टडी है, नाम थोड़ा अलग हो सकता है, बाकी सेम ही आपकी केस स्टडी है, ठीक है। ऑडिट ऑफ बैंक का जो चैप्टर है उसके ऊपर है ये बेस्ड केस स्टडी, और बहुत ही सिंपल केस स्टडी है। क्या कहती है केस स्टडी? सीए जुगल इज कंडक्टिंग द कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ अ ब्रांच। सीए जुगल कॉन्करेंट ऑडिटर है ब्रांच का किसी नेशनलाइज्ड बैंक की। कॉन्करेंट ऑडिट का टॉपिक ऑडिट ऑफ बैंक के अंदर लास्ट टॉपिक है जो हमने कवर किया था, ठीक है। इट इज अ लार्ज ब्रांच जिसकी कॉन्करेंट ऑडिट कर रहा है आपका ऑडिटर, वो काफी बड़ी ब्रांच है और ब्रांच के पास डिपॉजिट है 250 करोड़ के एंड एडवांसेस है 500 करोड़ के एंड द डिपॉजिट ऑफ द ब्रांच कंसिस्ट ऑफ टर्म डिपॉजिट अपार्ट फ्रॉम कासा डिपॉजिट। कहता है कि किस टाइप के डिपॉजिट आपकी ब्रांच के पास, टर्म डिपॉजिट है अपार्ट फ्रॉम कासा डिपॉजिट। कासा डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स और सेविंग डिपॉजिट्स के अलावा टर्म डिपॉजिट्स हैं। इट इज एन ओल्ड ब्रांच इन ऑपरेशन सिंस लेट 70s, काफी पुरानी ब्रांच है, लेट 70s से काम करिए। देयरफॉर देयर आर मेनी डोरमेंट डिपॉजिट सेविंग्स करंट एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट एट द ब्रांच, जिसकी वजह से काफी सारे डिपॉजिट्स के अकाउंट डोरमेंट है। डोरमेंट अकाउंट मतलब ऐसे अकाउंट्स जिनके अंदर कोई भी ऑपरेशंस अभी नहीं हो रहे हैं। आगे कहते हैं ऑफ लेट द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द बैंक हैज बीन पुशिंग फॉर एग्रेसिव टारगेट इन ओपनिंग ऑफ कासा डिपॉजिट। तो आपकी जो बैंक की ब्रांच है वो रिसेंटली काफी ज्यादा फोकस कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा कासा डिपॉजिट के अकाउंट्स को खोला जाए। He wants to ensure that CASA deposit accounts opened by the branch during his term comply with the KYC norm. And concurrent auditor का फोकस क्या है कि वो इंश्योर करना चाहता है कि आपकी एंटिटी मतलब आपकी बैंक की मैनेजमेंट जितने भी कासा के डिपॉजिट अकाउंट खोले those are in compliance with the KYC norms. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ, ऑडिट कर रहा था आपका कॉन्करेंट ऑडिटर किसी मंथ की कॉन्करेंट ऑडिट, ही फाइंड्स दैट टेम्पररी ओवर लिमिट्स आर ग्रांटेड टू फ्यू बोरोवर्स अवेलिंग द सीसी फैसिलिटीज अप टू 10% ऑफ द रिस्पेक्टिव सैंक्शन लिमिट। तो उसने एक फाइंडिंग्स देखी, उसने एक ऑब्जर्वेशन उसको मिली क्या कि आपका ये जो बैंक है, आपका बैंक जिन कस्टमर को सीसी लिमिट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उनमें से कुछ कस्टमर के रिलेशन में आपके इस बैंक ने कस्टमर्स को टेम्पररी ओवर लिमिट दी है अप टू 10% ऑफ देयर सैंक्शन्ड लिमिट। ग्रांटिंग ऑफ सच ओवर लिमिट फॉल विद इन द पावर ऑफ चीफ मैनेजर ऑफ द सेड ब्रांच। कहता है कि ये जो ओवर लिमिट प्रिस्क्राइब की हुई, जो आपका बैंक ओवर लिमिट दे रहा है सीसी के केस में, ये आपके चीफ मैनेजर की पावर के अंदर आता है। It is also noticed by him that temporary overdrafts are also allowed to few customers in their current account. और उसने ये भी नोट किया कि कुछ कस्टमर के करंट अकाउंट्स में ओवरड्राफ्ट भी अलाउड किए जा रहे हैं। आगे कहता है however granting of these temporary overdraft also falls in chief manager's delegated power. तो कहता है कि ये भी जो आप ओवर ड्राफ्ट प्रोवाइड करो कस्टमर के करंट अकाउंट के अंदर, ये जो ओडी की फैसिलिटी तुम प्रोवाइड करो, ये भी चीफ मैनेजर की पावर के अंदर आता है। टेम्पररी ओवर लिमिट एंड ओवर ड्राफ्ट एज डिस्कस्ड अबव हैव बीन एडजस्टेड एंड पेड बिफोर द एंड ऑफ मंथ। तो ये इनको अप्रोप्रिएटली बिफोर द एंड ऑफ मंथ पे कर दिया गया है और इनकी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अच्छा, इट इज फर्दर नोटिस्ड बाय हिम, ऑडिटर ने और क्या नोट किया, ड्यूरिंग द सेम मंथ जब वो कॉन्करेंट ऑडिट कर रहा था, दैट ब्रांच हैज सैंक्शन 5 फ्रेश एडवांसेस फॉलिंग विद इन द चीफ मैनेजर पावर। तो सब कुछ चीफ मैनेजर की पावर के अकॉर्डिंग हो रहा है। अभी एज सच मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे क्योंकि तुम अपने कंट्रोल के हिसाब से काम कर रहे हो। तो कहता है इट इज फर्दर नोटिस्ड बाय हिम दैट सेम मंथ में ब्रांच ने 5 फ्रेश लोन दिए हैं और इनको लोन को देने की पावर किसके पास थी, चीफ मैनेजर के पास थी। एंड कन्फर्मिंग टू बैंक नॉर्म्स अग्रीइंग टू एग्रीगेटिंग टू ₹10 करोड़। 5 लोन दिए, 5 का मिला के जो आपका अमाउंट है वो बनता है 10 करोड़ का और आपके बैंक ने इन लोन को अप्रोप्रिएटली बैंक के नॉर्म्स और मैनेजमेंट आपकी जो चीफ मैनेजर की पावर थी उसके अकॉर्डिंग दिया है। ऑल दीज सैंक्शन एडवांसेस प्रिटेन टू सेम इंडस्ट्री। अब यहाँ पे ऑडिटर का दिमाग क्या चल रहा है समझो, कहते हैं कि जितने भी आपने 5 लोन दिए हैं, 10 करोड़ का जिनका अमाउंट बनता है, ये लोन आपने जितने भी बोरोवर है ना वो सारे के सारे बोरोवर जूट इंडस्ट्री के ही हैं, मतलब वो सेम इंडस्ट्री के हैं, जूट मिल मैन्युफैक्चरिंग, जूट सेक्स। ही फील्स दैट branch approach is not proper and sanction of 5 advance to the same industry lack diversity and lending decision of branch is not proper. वो basically क्या indicate करना चाहता है कि आपकी जो branch है same industry में एक हद से ज्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड कर रही है। उससे होगा क्या, ये ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग है क्या, कि अगर वहां पे कोई भी डाउनफॉल आया उस इंडस्ट्री में तो सारे के सारे ही अकाउंट एनपी होंगे क्योंकि उनको लॉसेस होना शुरू हो जाएंगी। तो कहते हैं कि ये प्रॉपर अप्रोच नहीं था बैंक के बिहाफ पे। तो क्या ये ऑडिटर डिसाइड करेगा कि क्या कहां पे बैंक को कितना लोन देना चाहिए? अगर हर एक चीज बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से हुई है, राइट, एज पर पावर हुई है, तो इसमें गलत क्या है? आगे कहते हैं ही फर्दर नोटिसेस दैट ड्यूरिंग द मंथ, उसने एक और चीज को नोट किया कि ड्यूरिंग द मंथ जब वो अपनी ऑडिट कर रहा था, वन बोरोवर ऑफ द ब्रांच फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज इन MSME सेक्टर हैज शिफ्टेड इट्स क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम दिस ब्रांच टू अनदर बैंक इन अ प्राइवेट सेक्टर। तो आपकी इस ब्रांच ने क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करी हुई थी किसी MSME क्लाइंट को, उसने क्या किया, उसने इस बैंक से शिफ्ट कर लिया है किसी और बैंक में। अच्छा, द ब्रांच हैज लेविड फॉरक्लोजर चार्जेस, तो आपकी बैंक ने क्या किया कि भाई तुमने अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को कहीं और शिफ्ट कर लिया, मतलब तुमने टाइम से पहले रीपेमेंट कर दी, तो उसने क्या कर दिया कि फॉरक्लोजर चार्जेस अप्लाई कर दिए हैं ऑन द आउटस्टैंडिंग क्रेडिट फैसिलिटी पर्टेनिंग टू द बोरोवर बाय डिसरिगार्डिंग कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो यहां पे बैंक ने क्या किया, डिसरिगार्ड किया है जो कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट है, मतलब ये आपकी रेगुलेशन होगी टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। द बोरोवर इज स्टिल हैविंग, कहता है बोरोवर का अभी भी आपके बैंक के पास क्या है, करंट अकाउंट है। रिवर्सल ऑफ सच चार्जेस, अगर आपने रिवर्सल किया इन चार्जेस को तो रेवेन्यू लॉस होगा ब्रांच के लिए। ही इज इन फिक्स एज फार एज रिपोर्टिंग इज कंसर्न्ड। अब उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, तो रिपोर्टिंग तो उसको करनी चाहिए। फिर आगे कहता है कीपिंग इन व्यू अबोव, आपको इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देने जो नीचे पूछे गए हैं। सबसे पहले एज रिगार्ड टू डोरमेंट डिपॉजिट अकाउंट, ऊपर लिखा हुआ था ना कि कंपनी मतलब बैंक काफी टाइम से काम कर रहा है, सिंस 70s वो काम कर रहा है, तो जिसकी वजह से आपके बैंक के अंदर काफी डिपॉजिट अकाउंट ऐसे हैं जो डोरमेंट हो चुके हैं। आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए जो चार ऑप्शंस हैं इसके अंदर ड्यूटीज लिखी हुई हैं, इन ड्यूटीज में से कौन सी ड्यूटी ऑडिटर की नहीं है, which is not the part of auditor's duty. Number 1, verifying the dormant account are revived with appropriate authority. Yes, auditor को ये verify करना कि जितने भी dormant account है अगर उन dormant account का revival हो रहा है तो क्या वो appropriate authority से हो रहा है या नहीं, yes ये इसकी responsibility है। दूसरा examining authorization for withdrawals, अगर आप डोरमेंट अकाउंट जिसके अंदर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है वहां से आप विदड्रॉ करो तो क्या वहां पे विदड्रॉल के लिए अप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन लग रही है, तो क्या आप विदड्रॉल हो रहे हैं जो उन अकाउंट से, वेदर इट इज डन विद प्रॉपर ऑथराइजेशन और नॉट, इसको भी ऑडिटर वेरीफाई करेगा। तीसरा फॉलोइंग अप विद द अकाउंट होल्डर्स टू इंश्योर द स्टेटस ऑफ अकाउंट रिमेन्स एक्टिव, कस्टमर को फोन करके पूछना कि क्या आपके अकाउंट का स्टेटस है, क्या ये ऑडिटर का काम है या मैनेजमेंट का काम है, मतलब बैंक की मैनेजमेंट का काम है, ये ऑडिटर का काम नहीं है, बैंक की मैनेजमेंट का काम है। फॉलो अप करना अकाउंट होल्डर के साथ, फोन करना, उनको मेल भेजना, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि भाई उनका अकाउंट एक्टिव रहे, वो डोरमेंट अकाउंट ना हो जाए। तो आपका अकाउंट अगर डोरमेंट होने वाला है तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना वो अपने कस्टमर को इंटीमेट करे, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट, तो ये उसकी ड्यूटी में नहीं आएगा। डी ऑप्शन क्या कहते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। डी ऑप्शन कहते हैं वेरीफाइंग दैट डोरमेंट अकाउंट एट ब्रांच एजिंग मोर देन 10 years हैव बीन ट्रांसफर्ड टू डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, कहते हैं कि जो 10 साल से डोरमेंट पड़ा है जिस अकाउंट पे कुछ नहीं हुआ उस अकाउंट के अंदर जो भी पैसा है उसको उठा के एक फंड बनाया हुआ है, दैट इज डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, ठीक है, तो ये उसका काम है देखना। तो ये क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक की। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्करेंट ऑडिटर वांट्स टू इंश्योर दैट फ्रेश कासा अकाउंट ओपन इन द ब्रांच आर KYC कंप्लाइंट, उसने ऊपर बोला ना कि ऑडिटर इंश्योर करना चाहता है कि जितने भी फ्रेश कासा के अकाउंट्स खुल रहे हैं दोज आर इन कंप्लाइंस विद KYC नॉर्म्स, Which of the following best sums up the score of KYC guidelines prescribed by RBI? आपको ये बताना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि नीचे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है, RBI ने KYC नॉर्म्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले बेसिक पर्पस है ऑफ सच गाइडलाइंस इज टू वीड आउट डुप्लीकेट कस्टमर एट द सेम ब्रांच, कि सेम ब्रांच के अंदर सेम ब्रांच के अंदर डुप्लीकेट कस्टमर नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही कस्टमर के नाम पे तुम दो अकाउंट नहीं खोल रहे हो, ये ऑब्जेक्टिव है। देख लेते हैं आगे, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। फिर आगे कहते हैं सच गाइडलाइंस कंटेन डिटेल्ड रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स टू एनेबल देम टू ड्रॉ अ 360 डिग्री क्रेडिट प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर बाय मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये एनेबल करता है। सी केवाईसी होते क्या, नो योर कस्टमर, मतलब जब भी कोई कस्टमर तुम्हारे बैंक के पास आ रहा है कि मेरा करंट अकाउंट खोल दो, मेरा सेविंग अकाउंट खोल दो, तो तुम कस्टमर को आइडेंटिफाई कर रहे हो, राइट? तो उससे रिलेटेड तुम उसका पैन नंबर, उसका आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीजें लेते हो। तो मेन पर्पस क्या है यहाँ पे? मेन पर्पस है कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन करना, रिस्क की असेसमेंट करना। तुम्हें यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में कस्टमर आइडेंटिफिकेशन दिखाई दे रहा, कहीं पे लिखा हुआ नहीं। आगे कहते हैं सच गाइडलाइंस है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग द क्रेडिट ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन अकाउंट्स ऑफ डिजर्विंग अकाउंट होल्डर्स। ये कहते हैं इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जब भी कोई भी पैसा आप ट्रांसफर करो तो डायरेक्टली उसी पर्सन के अकाउंट में जाए जिसका वो अकाउंट है। केवाईसी का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर, कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन करना। तो ये इसका ऑप्शन डी बनेगा। सच गाइडलाइंस कंटेन डिटेल्ड रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कि जो भी कस्टमर तुम्हारे बैंक के अंदर आ रहा है उस कस्टमर का अकाउंट खोलने की रिलेटेड बैंक की पॉलिसीज क्या है। वो आपसे बोलते हैं ना कि आप आधार कार्ड नंबर लेकर आओ, है ना, आप मुझे पैन ला के दो, तो ये आपके कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसीज होती हैं जिसको तुम केवाईसी नॉर्म्स कहते हो। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर क्या है, आप कैसे मॉनिटर करते हो ट्रांजैक्शन की, कैसे आप रिस्क की मैनेजमेंट करते हो, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है केवाईसी नॉर्म्स का। इस वजह से इंट्रोड्यूस करी है आरबीआई ने इन गाइडलाइंस को। तो ये आप, मैं आई वुड से कि चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बेस्ट ऑप्शंस यहाँ पे चूज करना है। एज सच यहाँ पे आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग यूज हो भी नहीं रही है ऑडिट ऑफ बैंक्स की। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एज रिगार्ड टू रिपोर्टिंग ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू टेम्पररी ओवर लिमिट्स इन कैश क्रेडिट अकाउंट एंड टेम्पररी ओवर ड्राफ्ट इन करंट अकाउंट। देखो, जो आपका ऑडिटर है उसको रिपोर्ट अगर वो करना चाहता है इन ओवर लिमिट्स को तो अपनी रिपोर्ट में डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया था कॉन्करेंट ऑडिट का जब कंसेप्ट पढ़ा अंडर द ऑडिट ऑफ बैंक, कि कॉन्करेंट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में जिन मैटर्स को डालेगा ना, सबसे पहले वो बैंक की उस ब्रांच का जो हेड है उसके साथ डिस्कस करेगा। तो कहते हैं द सेड इंसिडेंट कैन नॉट बी रिपोर्टेड एज दिस फॉल्स इन द पावर ऑफ चीफ मैनेजर। ऐसा नहीं है, वो रिपोर्ट करना चाह रहे तो वो रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसको सबसे पहले किसके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, किसको कंसल्ट करना पड़ेगा, किसको बताना पड़ेगा, किसको लूप में रखना पड़ेगा, जो उस ब्रांच का हेड है। तो कहते हैं सेड इंसिडेंट कैन बी रिपोर्टेड इन मंथली कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट, नो डिस्कशन इज नेसेसरी विद द चीफ मैनेजर इन दिस रिस्पेक्ट। नहीं, सबसे पहले आपको उसको लूप में रखना पड़ेगा। तो कहते हैं द सेड इंसिडेंट कैन बी रिपोर्टेड, वो कर सकता है रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर डिस्कशन इज नेसेसरी विद द चीफ मैनेजर इन दिस रिस्पेक्ट, तो आपको डिस्कशन करनी पड़ेगी विद दैट रिस्पेक्टिव पर्सन। तो सी इसका आंसर बनेगा, नहीं रिपोर्ट हो सकता ऐसा कुछ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द सैंक्शन ऑफ फ्रेश एडवांसेस टू बोरोवर इन द सेम इंडस्ट्री इन अ मंथ फ्रॉम द कॉन्करेंट ऑडिटर्स परस्पेक्टिव। देखो, वो अपनी एक जजमेंट दे रहे हैं यहाँ पे कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इस बैंक को सेम इंडस्ट्री के बोरोवर को एक लिमिट से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देना चाहिए, एक लिमिट से ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। उसने जब उसको इवेल्युएट किया, उसकी चेकिंग करी लोन्स की, तो उसने क्या आइडेंटिफाई किया, जिसके पास ऑथराइजेशन थी उसने लोन को सैंक्शन किया है, जो चीफ मैनेजर है, ठीक है, बैंक के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, कोई वायलेशन नहीं हो रही। तो यहां पे एज सच आपको क्या लगता है कि क्या ऑडिटर को इन मैटर्स को रिपोर्ट करना चाहिए, क्या कोई भी वॉयलेशन हुई है यहाँ पे? आंसर इज नो। तो कहते हैं सच अ लैंडिंग लैक्स डाइवर्सिटी एंड नीड्स टू बी रिपोर्टेड विदाउट फेल। डाइवर्सिटी नहीं है, बट क्या ये बैंक के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं, तो फिर इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आगे कहते हैं सच अ लैंडिंग इंक्रीज क्रेडिट रिस्क फॉर अ ब्रांच, ये हम अग्री करते हैं, ब्रांच का क्रेडिट रिस्क यहाँ पे बढ़ रहा है, एंड नीड्स इमीडिएट एक्शन ऑफ हायर अथॉरिटीज ऑफ द बैंक। ऑडिटर का पर्सपेक्टिव यहाँ पे जो है कि मैं इसको रिपोर्ट में डालूंगा, वो सही है या वो गलत है? वो गलत है। तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे? लैंडिंग हैज बीन मेड विद चीफ मैनेजर पावर, यस, इट डज नॉट फॉल इन कॉन्करेंट ऑडिटर्स डोमेन टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ लैंडिंग डिसीजन कन्फॉर्मिंग टू बैंक नॉर्म्स। तो ऑडिटर बैंक के विजडम को क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर बैंक के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इन लेंडिंग को किया गया है तो ये उसकी पावर में नहीं आता, ये उसकी ड्यूटीज में नहीं आता कि वो क्वेश्चन मार्क लगाए। अगर सब कुछ एज पर बैंक नॉर्म्स हो रहा है, जिसके पास अथोराइजेशन थी सैंक्शन देने की उसने अथोराइजेशन दी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी आप पढ़ लेना। अब आता है एज रिगार्ड टू द मैटर ऑफ लेविंग फोरक्लोजर चार्जेस डिस्क्राइबिंग इन केस नंबर इन केस सिनेरियो अबव व्हाट इज द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द कॉन्करेंट ऑडिटर। ये मैंने ऊपर ही बता दिया था, वो रिपोर्ट करेगा ही करेगा इस मैटर को। तो कहता है द मैटर शुड बी रिपोर्टेड इवन दो इट वुड लीड्स टू रेवेन्यू लॉस फॉर द ब्रांच। आपने कंप्लाइंस नहीं किया ना, राइट तो इट विल बी रिपोर्टेड इन दी रिपोर्ट। भले ही रिवर्सल की वजह से बैंक का इस ब्रांच का रेवेन्यू लॉस हो, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर बनेगा ए। ये पढ़ लेना। कहता है मैटर नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड, नहीं रिपोर्ट वो करेगा। मैटर शुड बी रिपोर्टेड ओनली, ओनली का मतलब नहीं है ओनली फॉर इट्स डिसरिगार्ड ऑफ कोर्ट विदाउट, नहीं बिल्कुल तुम बताओगे अपने रिपोर्ट के अंदर ना कि इसका रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। द मैटर कंसर्न्स ब्रांच मैनेजमेंट डिसीजन, इट डज नॉट, कहता ब्रांच कई पावर है, ये ब्रांच की मैनेजमेंट के प्रीव्यू में आएगा, इसका ऑडिटर का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑडिटर इसको रिपोर्ट करेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज योर केस स्टडी नंबर 18। केस स्टडी नंबर 19, ये भी बहुत ही सिंपल सी केस स्टडी है। चैप्टर नंबर 14 वही ऑडिट ऑफ NBFC के ऊपर बेस्ड है। बहुत ही सिंपल केस स्टडी, थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर की तो ईजिली तुम इस केस स्टडी को अटैम्प्ट कर सकते हो। ये आपके SM की भी केस स्टडी है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसी केस स्टडीज़ है जो पोर्टल पे भी रखी है और जो आपके SM के अंदर भी है। केस स्टडी कहती क्या है? कहती है दैट CA परम्परा इज अ स्टैच्यूटरी ऑडिटर ऑफ लोहित फाइनेंस लिमिटेड विच इज़ अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वर्किंग प्रीडोमिनेटली इन द स्टेट्स popularly described as seven sisters of northeast west bengal odisha and andhra pradesh। तुम क्या समझो कि CA परम्परा स्टैच्यूटरी ऑडिटर है किसका? लोहित फाइनेंस लिमिटेड का, जो एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। अच्छा ये है क्या मतलब? ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है लीगल? तो कहता है इट इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। तो ये नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग NBFC है केटरिंग टू क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन हाउस होल्ड एंड प्रोवाइड स्मॉल टिकट लोन्स। और ये क्या काम करती है? ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है फॉर द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल एंड सेबी अर्बन हाउस होल्ड एंड प्रोवाइड स्मॉल टिकट लोन, स्मॉल अमाउंट के लोन प्रोवाइड करती है। शी हैज़ परफॉर्म्ड ऑडिट प्रोसीजर फॉर द ईयर 2023-24। कौन से फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट कर रही है? CA परम्परा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड उसने अपने काम को कर लिया, उसने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे। एंड फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन एज बिलो। क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? सबसे पहले द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन इन इट्स मीटिंग व्हिच इज हेल्ड ऑन 1 मई 2023 फॉर नॉन एक्सेप्टिंग ऑफ पब्लिक डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। आपकी ये जो NBFC है इट इज़ अ नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग NBFC एंड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास किया है मीटिंग के अंदर जो हुई है 1 मई 2023 में कि वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सही काम है, इन्होंने अच्छा किया, ऐसा होना भी चाहिए। एंड ऑडिटर को भी अपनी रिपोर्ट के अंदर इसको रिपोर्ट करना पड़ता है। हमने इसको अंडरस्टैंड भी किया था जब हमने पढ़ा था कि किन किन चीज़ों को रिपोर्ट करेगा इन ऑडिटर इन केस ऑफ योर NBFC इज नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग NBFC। अच्छा आगे कहता है द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डेटेड 15 मार्च 2012 फ्रॉम RBI इन परसुएंस ऑफ सेक्शन नंबर 45IA ऑफ RBI एक्ट 1934 एंड इट इज एंटाइटल्ड टू होल्ड सच सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इनकम पैटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो आपकी कोई भी कंपनी एज ए NBFC फंक्शन करना चाहती है तो मैंडेटरी है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को ऑब्टेन करे। तो इसने ऑब्टेन किया हुआ है। कब ऑब्टेन किया? 15 मार्च 2012 को। एंड उसको कॉन्टिन्यूसली सेटिस्फाई करना पड़ता है जो 50-50 इनकम का रूल है उसको। तो आपकी कंपनी एलिजिबल है टू होल्ड दिस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ऑन 31 मार्च 2024, मतलब सॉरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। आगे कहता है द कंपनी हैज आइडेंटिफाइड instances of cash embezzlement by the employees during the year. तो कंपनी के एम्प्लॉइज ने कंपनी के ऊपर कुछ तो फ्रॉड किया है. कैश की एम्बेजलमेंट के इंस्टेंसेस कंपनी को मिले हैं. सच इंस्टेंसेस रिलेट टू एम्प्लॉइज फ्लीइंग आफ्टर कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट फ्रॉम कस्टमर एट सम सेंटर. कहता है कि कस्टमर से जो पैसा मिलता है उसके अंदर ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं. द टोटल अमाउंट कितना है इस एम्बेजलमेंट का 15 लाख का, एंड इस 15 लाख में से 5 लाख बाद में रिकवर हो चुके हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फ्रॉड कितने का हुआ है 15 लाख का. मैटर हैज ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन नोट नंबर 35 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सच NBFC. अच्छा, आगे कहता है इट फॉल्स इन द मिडल लेयर ऑफ स्केल बेस्ड रेगुलेशन. हमने इसको आपके चैप्टर के अंदर पढ़ा था. तो जो स्केल बेस्ड रेगुलेशन के बेसिस में आपकी कैटेगरी बनती है, आपकी एनबीएफसी कौन सी लेयर में आती है, मिडल लेयर में फॉल करती है. For a systematically important non-deposit taking NBFCs are applicable to it. इसकी कैपिटल लिक्विडिटी रेशियो क्या है ये कहाँ पे स्टेटेड है, नोट नंबर 36 ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सच NBFC. अच्छा, आगे कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय हर. सीए परंपरा ने जब अपने ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म किया उसने क्या काम किया, इट इंक्लूडेड टेस्टिंग, डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स रिलेटिंग टू अलाउंसेज फॉर लोन लॉसेज यूजिंग एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल, दैट इज ECL. इसको तुम कहाँ पे पढ़ते होगे, FR के अंदर अंडर इंडेस नंबर 109 इन अकॉर्डेंस विद द इंडेस नंबर 109. तो कहता है कि आपके ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे हैं, उसने कंफर्ट लिया है ओवर द डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स जो किसके रिलेशन में है, ओवर द अलाउंसेज ऑफ लोन लॉसेस जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं तुम्हारी मैनेजमेंट एज पर ECL मेथड. ओके, TOD परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर. ये तो क्या हो गया TOC. आपके ऑडिटर ने TOD भी परफॉर्म करे हैं और TOD भी उसने क्या किया, इट इंक्लूड्स वेरीफाइंग द अजम्पशंस अफेक्टिंग सच ECL कैलकुलेशन. क्या आपकी मैनेजमेंट जब ये ECL की कैलकुलेशन करती है उसके रिलेशन में जो अजम्पशंस ले रही है, आपके ऑडिटर ने इन अजम्पशंस को वेरीफाई किया है. ठीक है, क्वेश्चन अभी हम देखेंगे क्या है, फिर देखते हैं कि इसकी रेलिवेंस क्या है. अब आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. सबसे पहले द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर 2023-24. आपके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास किया कि ये जो NBFC है डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करेगी. आपको ये बताना है कि विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट sentences out of the sentences which are given below as regard to the reporting obligation of auditor are concerned. मैंने आपको बताया कि उसको रिपोर्ट करनी ही पड़ती है. फिर कहते हैं पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट बीइंग एन इंटरनल गवर्नेंस मैटर इज नॉट टू बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर. तुम जाके देख भी लो, ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है इस मैटर को. ठीक है, तो कहते हैं मैटर ऑफ पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज अ स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिटर अंडर कारो नंबर 2020. रिपोर्ट करना उसको, कारो में रिपोर्ट नहीं करना है. मैटर ऑफ पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इट इज अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इन दी ऑडिटर्स एडिशनल रिपोर्ट टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. सो दिस इज योर आंसर. आगे कहता है मैटर ऑफ पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इन ऑडिटर्स एडिशनल रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एज अंडर कारो. कारो में इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, यहाँ पे इसकी रिपोर्टिंग होगी ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर. ठीक है, तो सी इसका आंसर बनेगा. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम RBI एज डिस्क्राइब्ड इन पैरा नंबर B ऑफ द केस. आपको ये बताना है कि बीइंग एन ऑडिटर जो आपकी NBFC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना है फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको इसकी रिपोर्टिंग कहाँ कहाँ पे करनी है. तो सबसे पहले ऑडिटर इसको रिपोर्ट करेगा, जो रिपोर्ट वो बनाता है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ NBFC वहाँ पे. ठीक है, इसके साथ साथ वो अच्छा रिपोर्ट करेगा क्या कि क्या आपकी कंपनी ने ऑब्टेन किया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और नॉट. ठीक है, दूसरा क्या तुम्हारी कंपनी एलिजिबल है टू कंटिन्यू टू होल्ड दिस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जो 50-50 रूल है क्या उसको तुम्हारी कंपनी सेटिस्फाई कर रही है. तीसरा कारों में भी इसकी रिपोर्टिंग होगी। तो ये तुम्हारा आंसर बनेगा। तो कहते हैं सबसे पहले इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू रिपोर्ट वेदर कंपनी हैज ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन नंबर 45 IA ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन ऑडिटर्स एडिशनल रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। आंसर इज यस, ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि क्या तुम्हारी कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है या नहीं, कहां पे, किस रिपोर्ट के अंदर, जो रिपोर्ट वो बनाता है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। लेकिन ये इनकम्प्लीट है। आगे कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर्स टू रिपोर्ट वेदर कंपनी हैज ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन नंबर 45 IA ऑफ RBI एक्ट इन ऑडिटर्स एडिशनल रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यस, एज वेल एज कारों में भी इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। लेकिन ये भी इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि उसको जब वो रिपोर्ट करेगा ना, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब वो रिपोर्ट बनाता है, वहां पे जब वो रिपोर्ट करेगा कि क्या तुम्हारी कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है, तो उसको एलिजिबिलिटी को भी मेंशन करना पड़ता है। तो कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर्स टू रिपोर्ट वेदर कंपनी हैज ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन नंबर 45 IA ऑफ RBI एक्ट 1934 अंडर कारू। ये भी सही है, लेकिन ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेज हैं तीनों सही, लेकिन इनकम्प्लीट है। फोर्थ इसका आंसर है, क्या कहते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू रिपोर्ट वेदर कंपनी हैज ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन नंबर 45 IA ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 इन ऑडिटर्स एडिशनल रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो जो रिपोर्ट बनाता है ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, वहां पे उसको रिपोर्ट करना पड़ता है कि क्या कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया। इसके साथ साथ इसकी रिपोर्टिंग वो कारों में करेगा। एंड ही इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, जो वो रिपोर्ट बना रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वहां पे वो एलिजिबिलिटी को भी मेंशन करेगा। तो कहते हैं इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन ऑडिटर्स एडिशनल रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेदर योर कंपनी इज एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड मतलब वेदर योर कंपनी इज एलिजिबल टू होल्ड सच सर्टिफिकेट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इनकम पैटर्न, मतलब क्या तुम्हारी कंपनी 50-50 रूल को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये इसका आंसर बनेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, रिगार्डिंग द इंस्टेंसेस ऑफ कैश एम्बेजलमेंट आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट फिट्स इनटू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर को जो फ्रॉड पता लगा है, जो कंपनी के ऊपर किया है बाय इट्स एम्प्लॉइज, उसकी रिपोर्टिंग कारो में करनी पड़ेगी। तो कहते हैं सच इंस्टेंसेस आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड अंडर कारो अंडर द रेलिवेंट क्लोज। यस, इसकी रिपोर्टिंग कारो के अंदर होगी। अमाउंट 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट इट हैज टू बी रिपोर्टेड अंडर कारो। तो ये इसका आंसर है। कहते हैं कैश इम्बेजल्ड अमाउंट इज लेस देन 1 करोड़, तो आपको कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी, इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट कारो में फ्रॉड की रिपोर्टिंग होगी। Such instances are required to be reported under CARO as well as auditor's additional report, जो आपका ऑडिटर बनाता है for the board of directors of the NBFC, नहीं, कारो में इसकी रिपोर्टिंग होगी। Such instances are specifically mention करेगा ऑडिटर, जो अपनी रिपोर्ट बना रहा है वो अपनी सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर नहीं, तो इसकी रिपोर्टिंग कारों के अंदर होगी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, एज रिगार्ड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एज डिस्क्राइब्ड इन पैरा नंबर डी अबव, Which of the following statements meet the regulatory reporting requirement? तो कहते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो के रिलेशन में जो ऊपर बातें लिखी हुई हैं पैरा नंबर डी के अंदर, उनमें से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी रेगुलेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट सही है। आप ऊपर जाके नहीं भी पढ़ोगे तो भी अगर आप इन ऑप्शंस को पढ़ोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। सबसे पहले क्या ऑडिटर को असर्टेन करना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये रेशो डिस्क्लोज हुई हैं इन द नोट्स टू अकाउंट्स। ऑडिटर को वेरीफाई करना है, उसको चेक करना है कि क्या आपकी मैनेजमेंट ने इन रेशोज की कैलकुलेशन अप्रोप्रिएटली करी है। दूसरा, तो ये गलत हो गया, ऑडिटर हैज टू असर्टेन एंड वेरीफाई वेदर सच रेशियो आर डिस्क्लोज्ड इन NBS 7 यस हैज बीन करेक्टली अराइव्ड एट। तो कहते हैं ऑडिटर असर्टेन करेगा, वेरीफाई करेगा कि आपकी मैनेजमेंट ने इन रेशियो का डिस्क्लोजर किया है। NBS 7 ये फॉर्म होता है, इसको आप कहते हो एनुअल स्टेटमेंट फॉर रिस्क एसेट या रिस्क एक्सपोजर। तो यहाँ पे आपकी मैनेजमेंट डिस्क्लोज करती है, तो ऑडिटर को असर्टेन करना है, उसको वेरीफाई करना है कि जो आपकी मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है इन रेशियोज को इन फॉर्म नंबर NBS 7 वो करेक्ट है या नहीं है। ये भी सही बात है, तो ये करेक्ट है। आगे ऑडिटर हैज टू असर्टेन एंड वेरीफाई वेदर सच रेशियोज एज डिस्क्लोज्ड इन NBS 7 हैज बीन करेक्टली अराइव्ड एट एंड इसके साथ साथ whether such ratio is in compliance with the minimum capital adequacy ratio as prescribed by Reserve Bank of India। तो ये तुम्हारा complete option है। Auditor has to ascertain and verify whether such ratio has been disclosed। Financial statement में disclosure की बात नहीं हो रही यहाँ पे, disclosure कहाँ पे देना पड़ता है, in form NBS number 7। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, द ऑडिटर हैज परफॉर्म्ड ऑडिट प्रोसीजर। आपने ऊपर देखा ना TOC और TOD उसने परफॉर्म किए थे, तो कहता है ऑडिटर हैज परफॉर्म्ड ऑडिट प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू अलाउंस फॉर लोन लॉसेज यूजिंग ECL इन अकॉर्डेंस विद इंड एस नंबर 109 एज दिस अलाउंसेज इन्वॉल्व। ध्यान से देखना, फिर से हमने जो ऊपर डिस्कस किया था ना एक केस स्टडी, वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। कहता है क्योंकि आपकी मैनेजमेंट इन अलाउंसेस को बनाने के लिए सिग्निफिकेंट जजमेंट्स ले रही है, सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स ले रही है, शी वांट्स टू स्टेट, वो बताना चाहती है कि आपकी इस ऑडिटर ने कैसे एड्रेस किया, ऑडिटर की जजमेंट क्या है, ऑडिटर के रिस्पॉन्सेज क्या है इन रिलेशन टू दीज एस्टिमेट्स। तो वो कहाँ पे बता सकती है ये कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ में। इसको मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगी, ऊपर एक केस स्टडी आई थी, ठीक है, आई थिंक केस स्टडी नंबर 11 है वो, तो वहाँ पे ये डिस्कस हुआ है। तो वो एज अ की ऑडिट मैटर इसको आइडेंटिफाई कर सकती है इन दी ऑडिट रिपोर्ट, राइट। सो दिस वॉज योर केस स्टडी नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, अगेन अ वेरी वेरी सिंपल केस स्टडी, ठीक है, ऑडिट ऑफ PSU चैप्टर नंबर 15, वहां से ये केस स्टडी है। कहता है कपिल एंड एसोसिएट्स आर रिफ्रेशिंग अप देयर नॉलेज ऑन द फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमिटीज एंड ऑन द वेरिड फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ C&AG इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। कपिल एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ये अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं किस चीज़ को लेकर कि जो पार्लियामेंट की वेरियस कमिटीज़ है, जिसको हमने ऑडिट ऑफ PSU के चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ये कमिटीज़ कैसे फंक्शंस करती है, C&AG की पावर्स क्या होती है, ड्यूटीज़ क्या होती है, इन सारी चीज़ों को लेकर। They feel that unless they have understood the scope of duties of C&AG, they would not be in a position to do the justice to the audit and professional work in this area। क्योंकि उनको लगता है कि अगर जब तक हम C&AG के काम को नहीं समझेंगे, उसकी ड्यूटीज़ को नहीं समझेंगे, उसके काम के स्कोप को हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट को अच्छे से नहीं कर सकते, इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स की ऑडिट को अच्छे से नहीं कर सकते। क्वेश्चन आगे कहता है इन द प्रोसेस दे हैव गॉन थ्रू वेरियस मटीरियल्स बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो उन्होंने हर जगह देखा अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन। द समराइज्ड इन्फॉर्मेशन विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम सम ऑफ सच मटीरियल्स इंक्लूडिंग वेबसाइट ऑफ द कैग आर स्टेटेड बिलो। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो उनको पता लगी है, कौन कौन सी। नंबर 1, C&AG रिपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर कंटेन्ड रिजल्ट्स ऑफ कंप्लायंस ऑडिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट डीलिंग विद असेसमेंट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल इनकम। कहता है C&AG की एक रिपोर्ट मिली उनको जो किसी ईयर से रिलेटेड थी, जिसके अंदर थे क्या, जिसके अंदर कंप्लायंस ऑडिट के रिजल्ट थे। ये कंप्लायंस ऑडिट किसकी की गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की, राइट और ये किससे डील कर रहा था, विद द असेसमेंट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल इनकम। इट इंक्लूडेड सर्टेन ऑब्जर्वेशन रिलेटिंग टू अलाइंग ऑफ क्लेम फॉर एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो कहता है कि उस रिपोर्ट के अंदर उनको कोई ऑब्जर्वेशन मिली, ऑब्जर्वेशन क्या थी, दैट आपने एग्रीकल्चरल इनकम के रिलेशन में जो एग्जम्पशन प्रोवाइड की हुई है, उस एग्जम्पशन के रिलेशन में कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। यूज ऑफ दिस एरिया बाय नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट एज अ कंड्यूट टू अवॉइड टैक्सेस ETC। इसके साथ साथ आप एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट होती है फ्रॉम द टैक्सेशन, तो जो आपके नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट हैं वो भी इस प्रोविजन का बेनिफिट उठा रहे हैं। तो इस टाइप की कुछ ऑब्जर्वेशन थी वहाँ पे इन स्क्रूटनी असेसमेंट परफॉर्म्ड बाय द डिपार्टमेंट। ओके, आगे कहते हैं द C&AG इन वन ऑफ इट्स रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जैसे कि SID भी होती है आपकी, है ना, तो कहता है कि सीएनडीजी ने अपनी रिपोर्ट बनाई हुई थी किसके ऊपर, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एंड सीएनडीजी ने उस रिपोर्ट के अंदर क्या पॉइंट आउट किया था, दैट नॉन अदरेंस हो रही है किस चीज की, किसी प्रोविजन की। प्रोविजन क्या है, ऑफ वन टाइम सेटलमेंट गाइडलाइंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द कॉर्पोरेशन resulting in acceptance of a below par OTS proposal, thus foregoing recovery of loan amounting to rupees 6.87 crore। तो आपकी यहाँ पे जिसकी ऑडिट करा है कैग, वो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये है आपकी सिडबी, आप इसको बोल सकते हो, इसको सिडबी मान लो आप, ठीक है। तो इसने लोन दिए हुए हैं सिडबी ने, जिसका अमाउंट है 6.87 करोड़ का। तो एक प्रोविजन है वन टाइम सेटलमेंट की, जिसको ये कॉरपोरेशन फॉलो नहीं करी, जिसकी वजह से रिकवरी ऑफ लोन नहीं हो पाई है, जिसका अमाउंट है 6.87 करोड़ का। आपके कैग ने जब ऑडिट करी है सिडबी की, उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर इसको मेंशन किया हुआ है, द सेड कॉरपोरेशन वॉज प्रोवाइडिंग लोन टू द इंडस्ट्रियल यूनिट। तभी मैंने सिडबी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो ये लोन किसको प्रोवाइड करी है, आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट को। आगे कहते हैं annual report of a listed public sector company which is a mini ratna PSU was also gone through। इसके साथ साथ ऑडिटर ने क्या पढ़ा, आपकी किसी नवरत्ना जो कंपनीज थी ना, यहाँ पे एक मिनी रत्ना है, PSU है ये, ठीक है, इसकी ऑडिट, इसकी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ा। द सेड कंपनी इज इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग डाइवर्सिफाइड सर्विसेज टू इंडियन रेलवेज, और ये PSU इंडियन रेलवेज को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अ स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड PSU, इसके साथ साथ कोई स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड PSU थी, वॉज इन्वॉल्व इन सेटिंग अप ऑफ थर्मल पावर प्लांट इन दैट स्टेट। द कैग इन इट्स ऑडिट रिपोर्ट पॉइंटेड आउट डिले इन द कंप्लीशन ऑफ वर्क ड्यू टू फेलियर टू डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट इन कूलिंग प्लांट ऑन अ टाइमली बेसिस। तो कहते हैं कि कोई और है, एक स्टेट ओन्ड आपकी PSU है, जो क्या काम कर रही है, वो थर्मल पावर प्लांट लगा रही है आपकी स्टेट के अंदर। एंड कैग ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया, क्यों, ड्यू टू द फेलियर, क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस टाइप का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आप किस टाइप की वाटर ट्रीटमेंट आपको यूज करनी चाहिए। बिसाइड्स अदर रीजंस, और भी रीजंस थे लीडिंग टू डिले, लाइक क्या रीजंस थे, फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं इन द लेआउट की, कैसे आपका प्लांट बनना चाहिए, रीटेस्टिंग कर रहे हो बार बार सोइल की, बाय द कंपनी वर आल्सो बीइंग पॉइंटेड आउट। नाउ बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस केस स्टडीज यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दैट बेस्ड अपॉन द डिस्क्रिप्शन एज प्रोवाइडेड इन पैरा नंबर ए ऑफ द केस, which parliamentary financial committee is likely to examine the above report of the CNDG and make its recommendation। तो जो पैरा नंबर ए का मैटर है, राइट, यहाँ पे जिस मैटर के रिलेशन में कैग ने अपनी रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट्री की कौन सी फाइनेंशियल कमेटी एग्जामिन करेगी एंड अपनी रिकमेंडेशन देगी। ऊपर एक बार हम दोबारा से इशू देख लेते हैं कि पैरा नंबर ए के अंदर बेसिकली कैग ने किस इशू के ऊपर अपनी रिपोर्टिंग करी है। तो कहता है कि जो एग्जम्पशन प्रोवाइडेड है टू द एग्रीकल्चरलिस्ट, उस एग्जम्पशन के रिलेशन में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ही, कैग ने इसको अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया है। एंड जो नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट है, दे आर ऑल्सो अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ सच एग्जम्पशन विच इज इनकरेक्ट। तो ऐसे ऐसे मैटर्स कैग ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पार्लियामेंट की कौन सी फाइनेंशियल कमेटी कैग की इस रिपोर्ट को एग्जामिन करेगी और अपनी रिकमेंडेशन देगी। तो हमने 3 कमिटीज पढ़ी थी, कौन कौन सी, नंबर 1 इज पैक, दैट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरी थी आपकी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, एंड तीसरी थी आपकी एस्टिमेट कमेटी। तो जो पैक होती है, दैट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसका फंक्शन होता है कि कैग ने जो एग्जामिनेशन करी, जो रिपोर्ट बनाई ऑन द अकाउंट्स ऑफ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज, उनकी एग्जामिनेशन करना और उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देना। तो इस गिवन सिनेरियो में कौन सी फाइनेंशियल कमेटी रिपोर्ट ऑफ कैग को एग्जामिन करेगी, पैक, और अपनी रिकमेंडेशन देगी, वो है पैक। तो यहाँ पे आंसर बनेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी। आप तीनों कमेटी को जाके पढ़ोगे, उनके फंक्शंस को पढ़ोगे, यू विल अंडरस्टैंड इट। फिर कहते हैं कंसिडरिंग द डिस्क्रिप्शन विच इज प्रोवाइडेड इन पैरा नंबर बी ऑफ द केस, the above audit finding is likely to fall in which areas। फिर से हमें ऊपर पैरा नंबर बी में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि बेसिकली हो क्या रहा था। कैग ने रिपोर्ट किया था कि कोई आपकी स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है एंड आपकी इस स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन ने नॉन कंप्लाइंस किया है किसी भी लॉ का रेगुलेशन का। तो आप कंप्लाइंसेस किस ऑडिट में इंश्योर करते हो, ये होता है आपका कंप्लाइंस ऑडिट। तो यहाँ पे इस टाइप की रिपोर्टिंग किस ऑडिट में कवर्ड होगी, कंप्लाइंस ऑडिट के अंदर इट विल बी कवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एज रिगार्ड टू द लिस्टेड पीएसयू एज डिस्क्राइब्ड इन पैरा नंबर सी ऑफ द अबव सिनेरियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। सबसे पहले देख लेते हैं पैरा नंबर सी के अंदर किस लिस्टेड पीएसयू की बात हो रही है। ये मिनी रत्ना जो पीएसयू थी उसकी बात हो रही है। आपको बताना है कि इस पीएसयू के रिलेशन में नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले द स्टैच्यूटरी ऑडिट ऑफ अबव पीएसयू इज टू बी कंडक्टेड बाय द फर्म ऑफ ऑडिटर्स व्हिच इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। सीएनडी जी अपॉइंटमेंट करते हैं ऑडिटर की इन केस ऑफ पीएसयू, तो ये गलत है। The statutory audit of the above PSU is to be conducted by C&AG. Statutory audit of such a PSU is to be conducted by the auditor which is appointed by the C&AG. तो कहते हैं द स्टैच्यूटरी ऑडिट ऑफ द अबव पीएसयू इज टू बी कंडक्टेड बाय अ फर्म ऑफ ऑडिटर व्हिच इज अपॉइंटेड बाय C&AG एंड ऑल्सो C&AG डायरेक्शन देता है इस ऑडिटर को कि तुझे काम कैसे करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, सी इसका आंसर बनेगा। The statutory audit of the above PSU is to be conducted by the firm of auditor which is appointed by the shareholders. C&AG अपॉइंटमेंट करता है आपके ऑडिटर की और उसको डायरेक्शन देते हैं कि तुझे काम कैसे करना चाहिए, तो इसका आंसर सी बनेगा। Considering the nature of audit findings which are described at para number D in the case scenario above concerning the delay in completion of work of thermal power plant, said audit finding is likely to fall in the domain of which type of audit. तो ऊपर क्या हो रहा है कि ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट के अंदर क्या पॉइंट आउट किया है कि एक थर्मल पावर प्लांट है और उस पावर प्लांट के जो काम चल रहा है उसके काम में डिले हो रहा है। तो आप डिले कहाँ पे देखते हो, मतलब आप एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये किस टाइप के ऑडिट में देखते हो, तो ये कवर्ड होती है आपके परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर। तो ये इट विल बी पार्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी केस स्टडी है। क्वेश्चन नंबर 5 पीएसयू एंगेजमेंट्स आर जनरली अटेस्टेशन एंगेजमेंट और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये अटेस्टेशन एंगेजमेंट क्या होती है और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट क्या होती है। अटेस्टेशन एंगेजमेंट मतलब जैसे कि तुम्हारी ऑडिट, मतलब क्या कि जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर को बनाया जाता है अगेंस्ट a criteria by any party other than practitioner। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, practitioner मतलब auditor, practitioner मतलब क्या auditor, subject matter मतलब क्या financial statements, criteria मतलब क्या जैसे कि तुम्हारा financial reporting framework हो गए AS Ind AS। तो जहां पे सब्जेक्ट मैटर को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट अ गिवन क्राइटेरिया प्रैक्टिशनर के अलावा किसी और पार्टी की होती है, उसको आप अटेस्टेशन एंगेजमेंट कहते हो, जैसे ऑडिट। वेयर एज डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट के अंदर प्रैक्टिशनर ही सब्जेक्ट मैटर की इवेल्युएशन करता है अगेंस्ट द गिवन क्राइटेरिया, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि नीचे दी गई इंगेजमेंट में से कौन सी आपकी अटेस्टेशन एंगेजमेंट है एंड कौन सी डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट है। सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑडिट एंड कंप्लायंस ऑडिट आर जनरली अटेस्टेशन एंगेजमेंट, दोनों डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट है। परफॉर्मेंस ऑडिट एंड कंप्लायंस ऑडिट आर जनरली द डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, तो इसका आंसर बनेगा बी, राइट। तो दिस वॉज योर केस स्टडी नंबर 20 और यहाँ पे ऐसे तुम्हारी ये सारी की सारी 20 की 20 केस स्टडीज खत्म होती है। ओके, सो दिस वॉज योर केस स्टडी एंड इन केस स्टडीज़ को आप कवर कर लो, भले आपने ओल्ड सिलेबस की केस स्टडीज़ नहीं देखी तो भी चल जाएगा। इन केस स्टडीज़ को आप कवर करो, जो इंस्टीट्यूट के एसएम के अंदर केस सिनेरियोज हैं उनको आप कवर करो, इंस्टीट्यूट के एसएम के क्वेश्चंस को आप कवर करो और आपकी अगर ऑडिट सब्जेक्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, आपको कंसेप्ट पता है, ट्रस्ट में मैडम सेइंग दिस, आपको एग्जामिशन लेने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आप भले ही पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को ना देखो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उस सिनेरियो में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि एसएम के जो क्वेश्चंस के डिस्कशंस की मैं वीडियोस डाल रही हूँ उसके अंदर बहुत अच्छी डिस्कशन है। बहुत सारे बच्चे उनकी ड्यूरेशन को देख के ही डर जाते होंगे कि क्यों लगाऊँ मैं एक चैप्टर के क्वेश्चंस के ऊपर 3 घंटे, मैक्सिमम ड्यूरेशन आई थिंक 3 घंटे के आसपास की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 घंटे के अंदर अगर तुम उस चैप्टर के अंदर 12 से तो ज़्यादा ही क्वेश्चंस है, क्योंकि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग भी है, टेस्ट योर नॉलेज भी है, केस सिनेरियोज भी हैं। तो अगर तुम 12, मैं एवरेज कह रही हूँ, 15 भी हैं, 20 भी हैं, टोटल मिला के इतने क्वेश्चंस कवर कर रहे हो, तुम अपने एंड पे भी इनको कवर करने के लिए बैठोगे ना, मैं आपको लिख के देती हूँ 1.5 आवर्स कहीं पे भी नहीं गई। लेकिन जब वहाँ पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हो तो कंसेप्ट भी तुम साथ में रिवाइज कर रहे हो, तो उसका बहुत सारा फायदा है। और जो चीज़ तुम देखते हो, सुनते हो, वो तुम्हें ज़्यादा याद रहती है। कोई क्लास लगा के देखना क्वेश्चंस की और अपने एंड पे किसी क्वेश्चंस को कवर करके देखना, तब तुम कंपैरिजन करोगे, तुम्हें खुद समझ में आएगा कि ज़्यादा बेनिफिट तुम्हें किससे हो रहा है। तो वो क्वेश्चंस तुम्हें देखने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है कि आप दिन में 3 घंटे भी नहीं निकाल सकते। अगर तुम्हें लगता है कि है ही नहीं है मेरे पास टाइम और भी सब्जेक्ट मुझे करना है, तो तुम एक काम कर सकते हो कि जो क्वेश्चन तुम्हें मुश्किल लग रहा है उसकी डिस्कशन को तुम देख लो, जो तुम्हें बिल्कुल ही अजीब से लग रहा है, और बाकी जो तुम्हें लगता है कि हाँ बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट से बना हुआ क्वेश्चन है, उसकी डिस्कशन को तुम स्किप कर दो। सो दिस इज़ वॉट यू कैन डू, ठीक है। सो या बाय बाय, दिस वॉज योर टोटल 20 केस स्टडीज़ थी इंस्टीट्यूट की। ये तुमने कर लिया है ढंग से तो 30 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हें, अगर तुमने कंसेप्ट को ध्यान से सुना है, तुम्हें आते हैं कंसेप्ट, और इस डिस्कशन को ध्यान से सुना है, तो तुम्हें इंटरप्रिटेशन करनी आ जाएगी। जब भी कोई भी इंस्टीट्यूट केस स्टडी डालेगा, भले ही बिल्कुल ही कम्प्लीटली नई केस स्टडी भी होगी ना, तो भी तुम इंटरप्रिटेशन कर पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चैनल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट एज ऑफ येट। लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।